हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई सबसे पहले तो मुझे बता दो, आवाज वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि मैं एक बार अच्छे से चेक कर लूँ। कल तो मजाक ही हो गया था यार, आवाज ही नहीं आ रही थी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अनिष्का अनिष्का अंशिका अंशिका बेटा, आपने अपने वो बोर्ड्स प्लस एनडीए वाला वीडियो देखा क्या। वीडियो सेक्शन में जाके एक बार वो वाला वीडियो देखना, ठीक है, आपको बेहतर लगेगा वो देखने के बाद। एंड जय हिंद, बढ़िया, सब बढ़िया, आवाज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओ भाई साहब, देखो वेटेज इसका ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा और बहुत कम भी नहीं कहूंगा। ऑन एन एवरेज यहाँ पर 3, 4, 5, 6 सवालों तक भी कई बार देखे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कभी लॉटरी लगी तो 6 सवाल, और ठीक ठाक रहा तो 3 सवाल तो देखे ही जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते हैं, और उन सभी वैरायटी को मैं अप्रोच करवाऊंगा आज के सेशन के अंदर, चाहे वो सिर्फ आयोटा के ऊपर हो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो, ऑयलर फॉर्म हो, या फिर पोलार फॉर्म हो, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ, आज तो धागे खोल देने हैं कॉम्प्लेक्स। हाँ बेटा ठीक है, उधेड़ के रख देंगे कॉम्प्लेक्स को। बहुत बढ़िया, तो आप सब तैयार हैं एकदम बढ़िया से। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दुविधा है तो जल्दी से बता दो, फिर हम लोग शुरू करेंगे। और एक बार यहां से ट्रेन छूट गई तो बेटा फिर दौड़ेगी, फिर किसी स्टेशन में रुकने रुकने वाला नहीं है, है ना। सर मैंने आरएस अग्रवाल लगा ली, आगे क्या करूं प्लीज एडवाइस। बेटा सच्ची सच्ची कसम खा के बोल रहे हो कि आपको आरएस अग्रवाल लगा ली, उसका हर एक क्वेश्चन तुम्हें आता है, हर एक सवाल आता है, सच्ची सच्ची बताना है। चलो अगर ऐसा कर ही लिया है तो बेटा आप एक काम करो, मॉक टेस्ट वगैरह देखो, जो भी बेहतर मॉक टेस्ट आपको लगते हैं वो मॉक टेस्ट वगैरह देखो, और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करो। कल मैंने एक वीडियो दी है कि मॉक टेस्ट सही तरीके से लगाने का क्या तरीका है, उसके ऊपर मैंने दिया है, तो मॉक टेस्ट आप करो, है ना। और कुछ बेटा, जल्दी आ जाएगी स्वैगर भाई, जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत करो, बिल्कुल टेंशन मत करो, है ना। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने सब एकदम तैयार हैं, तो अब शुरू करते हैं। इधर उधर की बातें बहुत हो गई हैं सर जी, और जिनको जो पूछना था उन्होंने पूछ लिया, तो चलिए अब शुरू कीजिए, है ना। बढ़िया, मैं थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह अपनी तरफ कर लूं। ठीक है, दिखते रहना जी ना। कितने आवर्स का क्लास होगा बेटा, करीब करीब 2.5 से 3 घंटे का बीच का मैंने प्लान किया हुआ है, बाकी देखो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है ना। और अच्छा ये भी ठीक है, हाँ बॉबी एक है, ये भी ठीक है, बढ़िया। चलो अब बहुत बातें हो गई हैं, अब शुरू करते हैं, है ना, अब शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो अपना ध्यान लगाएंगे बेटा, वो रहेगा हमारा कौन सा। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और उसे एर्गन प्लेन से कैसे हम लोग विजुलाइज कर पाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक बढ़िया थ्योरी बनाते हैं और उससे सारी चीजें समझते हैं। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, और साथ में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो भी हम लोग देख लेंगे, है ना। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, 1 चैप्टर क्लियर किया है, मेरा किससे एनडीए क्लियर होगा, क्या बोल रहे हो प्रीति यादव, पता नहीं। चलो पीवाईक्यूज, हाँ थोड़े पीवाईक्यूज भी होंगे, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं बेटा इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करने से ना। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे बेटा आपने ये क्या बनाया है, ये रियल नंबर लाइन बनाई है, ये जो बनाया है ये क्या है सर जी, रियल नंबर लाइन है ये, है ना, रियल नंबर लाइन है, जो माइनस के इंफिनिटी से कहां तक बनती है सर जी, इंफिनिटी तक बनती है ना। यहां कौन सा पॉइंट आ गया सर जी, 0 आ गया। तो इसी तरीके से बेटा जब रियल नंबर लाइन में आप ऐसे करते हुए चलते हो, तो ये हमारे पास नंबर लाइन तुम लोग विजुलाइज कर पा रहे हो, हाँ सर जी विजुलाइज कर पा रहे। इसी तरीके से पीछे की तरफ आओगे तो ये -k1 हो जाएगा, -k2 हो जाएगा, -k3, दिस इज -k4, दिस इज -k5, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा।
वहीं पर हम लोग एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं रियल नंबर से। कैसे बनाते बेटा? 90 डिग्री पर। इनके बीच में एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है, थ्री डायमेंशन प्रोजेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, है ना बेटा। तो हम लोग एक 90 डिग्री के एक्सिस पे ऐसे बनाते हैं, यानी हर एक्सिस से आप एक इमेजिनरी एक्सिस बना सकते हो। तो ये वाली एक्सिस को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? इसको बोल देंगे इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है बेटा? यहां पर हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम तैयार हो जाएगा, लेकिन चलेगा उसी हिसाब से जैसे रियल में था। जस्ट हम लोग वही सेम नंबर सिस्टम चला रहे होंगे, लेकिन एक अलग ही दुनिया में, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। इसकी काउंटिंग कैसे शुरू होती है? दिस इज आयोटा, दिस इज टू आयोटा, दिस इज थ्री आयोटा, है ना, ऐसे करके। अब ये आयोटा क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करना शुरू करेंगे। यहां पर आ जाएगा माइनस के आयोटा, यहां माइनस के टू आयोटा, यहां माइनस के थ्री आयोटा एंड माइनस के फोर आयोटा, और ऐसे करके वो भी इंफिनिटी और ये भी माइनस इंफिनिटी तक ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो। तो हमने कहा कि सर यहां पर तो फिर उस हिसाब से जीरो आयोटा आना चाहिए। बात तो सही है, अगर हम लोग ऐसे करके इमेजिनरी एक्सिस के लाइन को देखें तो उसमें सर ये वाले नंबर्स हैं और रियल नंबर में ये वाले नंबर्स हैं। जैसे कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटा, सपोज इस बात को समझो, जैसे रूट फाइव जो है बेटा वो मेरे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं रूट फाइव में एक आयोटा लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा? एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप ले लो, अगर आपने उसके साथ एक आयोटा लगा दिया तो नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या बन जाती है। अब ये काल्पनिक संख्या का हिसाब क्या है? काल्पनिक संख्या का हिसाब बेटा यहां से शुरू होता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि सर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप सब जानते हो ना सर, या तो वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, मतलब या तो वो जीरो हो सकता है या तो वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये सब जानते हैं, सबको ये बात मालूम है। लेकिन जब मैथमेटिकल जितने भी मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इनके ऊपर डिस्कस करना शुरू किया, शोध करना शुरू किया, तो उनके सामने एक बड़ी अजीब सी इक्वेशन सामने आई। दैट इक्वेशन इज, उन्होंने कहा कि सर अगर मान लो हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाया जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो माइनस वन आ जाती है। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। इसी समस्या के लिए हम लोगों ने एक नया नंबर सिस्टम ही बना डाला। मतलब कोई काम धाम नहीं था क्या? शायद नहीं होगा बेटा, ठीक है, तब लोग तारक मेहता नहीं देखते होंगे। अच्छा ठीक, ये भी बात सही है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन जो है वो हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है, अब ये कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है? तो अब यहां से हम लोगों ने एक नया सिस्टम ही खोल दिया, वो ये कि हम कह रहे हैं कि सर अब हम लोग जब से क्या निकालेंगे बेटा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर प्लस माइनस का साइन तो आएगा, लेकिन अंडर द रूट में आपके पास माइनस के वन आ जाएगा। नाउ दिस अंडर द रूट माइनस वन, बेटा ध्यान से सुनिएगा, दिस अंडर द रूट माइनस के वन को हम लोगों ने आयोटा का नाम दे दिया। किसका? आयोटा का नाम दे दिया, यही अंडर द रूट माइनस वन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर आगे जाके हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? आगे जाके हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि प्लस माइनस आयोटा। क्या? अगर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन है तो एक्स की वैल्यू क्या है सर जी? प्लस माइनस आयोटा है। यानी इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर जी, इन शॉर्ट, कि अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो उसका आंसर मेरे पास नेगेटिव वन आएगा, जी, या फिर मैं माइनस के आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो उसका आंसर भी मेरे पास कितना आएगा बेटा? माइनस के वन। क्या ये बात सभी को समझ में आती है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा फटाफट से। ऑल क्लियर? बढ़िया। ठीक है, बेटा मुझे याद नहीं है इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, अभी इस वाले पे ध्यान दे लो ना बेटा, जब अगला वाला आएगा तब देख लेना, पता कर लेना। तुम लोगों ने इसे YouTube चैनल में पढ़ने आते हो या इंक्वायरी काउंटर खोल रखा है? हैं, मेरे को सैलरी मिलती है सब जवाब देने की।
बेटा नारुतो एक माइक प्लीज ऑर्डर करके भेज दो ना यार, प्लीज प्लीज एक माइक भेज दो ना यार प्लीज। जवाब नहीं आ रहा है माइक का, जवाब नहीं आ रहा है, कहां गया है बच्चा? चलो आओ, यहां तक बात समझ में आ गई है बेटा। ये एक बच्चा कह रहा है माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन कैसे हुआ सर जी? आइए इधर देखिए बेटा, माइनस आयोटा इधर देखो, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ रखा है, ठीक है? ध्यान से सुनो, यहां माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस के आयोटा है, ठीक है? अब माइनस माइनस क्या होता है सर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सर? आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन है ना, हाँ, तो इसीलिए माइनस वन। अच्छा अरे बस बेटा बस 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 इतना कह दिया काफी है। ऐसा है कि बेटा माइक में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर छोटा मोटा दिक्कत होता भी है ना, सुनो मेरी बात, मैं यहां पर कोई सिंगिंग शो नहीं कर रहा हूं बेटा। तुम्हें तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, थोड़ी सी हार्श आ रही होगी, मैं कौन सा लता मंगेशकर? तो तुम्हें पढ़ने से मतलब, तुम्हें इतना बढ़िया बढ़िया राइटिंग में मैं लिख कर दे रहा हूं, इतना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि काम चलाना सीखो बेटा, काम चलाना सीखो। ऐसे जब मान लो सिलेक्ट हो गए, पहाड़ों में जाके बर्फ गिर रही है, और तुम अपने सीनियर को बोल लो मैं नहीं जाऊंगा बाहर, बाहर बहुत ठंड है, ऐसे चलेगा क्या? थोड़ा काम चलाना सीखो यार, सिचुएशनल ऐसे इतना नहीं चलता है। बाकी हाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ी बहुत आवाज होती है, अब ये घर में है उतना पता है, माइक का भी दिक्कत नहीं होता है। जब हम लोग घर में ऐसे करके बनता है तो क्या होता है कि उतनी साउंड प्रूफिंग नहीं होती है, तो कहीं से आवाज टकरा कर वापिस आती है। अब क्या करूं बेटा, होता है, थोड़ा काम चलाओ, है ना? ठीक है, बढ़िया, चलो शाबाश, थोड़ा काम चलाने का मालिक, चलो ओके, है ना? चलो बहुत बढ़िया, तो अब शुरू करें, आगे चलें। अच्छा, तो ये बात सबको समझ में आ गई, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब इमेजिनरी नंबर में ना हम लोग कहते हैं कि अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि सर इंटीग्रल पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर। इंटीग्रल पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा की इंटीग्रल पावर्स के ऊपर सवाल जो है वो बनते हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, यहां ऐसे लिखा हुआ देखो कि आयोटा की पावर एन की यही चार वैल्यूज हो सकती है अगर मेरे पास एन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू ली जा रही है। कैसी वैल्यू? इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने यहां पर ऐसे ऐसे कहा बेटा, देखो आयोटा की पावर वन कितना होता है सर? आयोटा ही होगा, यानी अंडर द रूट माइनस के वन होगा। आयोटा स्क्वायर सर जी माइनस वन, अभी आपने समझा दिया कि ऐसा क्यों है, है ना? आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? आयोटा क्यूब जो होगा बेटा, तुम उसे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर वन लिख सकते हो। हाँ, नाउ आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, आयोटा की पावर वन इज आयोटा, तो कुल मिलाकर इसका आंसर माइनस के आयोटा आ गया। हाँ सर, आयोटा की पावर फोर को बेटा तुम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ सर, तो इसका मतलब आप इसे माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ सर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। यानी मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि सर हमारे पास ना कुल मिलाकर चार ही वैल्यूज आ रही है, दैट इज आयोटा माइनस के वन, माइनस के आयोटा और बेटा वन आ रहे हैं। तो यही चार वैल्यूज आप लोग देख पा रहे हो के, है ना? तो सर बाकियों के पावर्स, बाकियों के पावर्स भी वैसे ही होंगे। इसको थोड़ा सा समझना बेटा, थोड़ा सा समझना, है ना बेटा? तुम लोगों को ये बात समझ में आती है? तुम्हें एक न्यूलैंड्स ऑक्टेव करके एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको मालूम है क्या? न्यूलैंड लिखना है, और बताओ मैं क्या लिख रहा हूं? न्यूटन लिख रहा हूं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स आपको मालूम है क्या? ऐसे करके मुझे जल्दी से बताओ, मैं इसके इसको बढ़िया से कनेक्ट कर दूंगा फिर, अगर तुम्हें ये पता है तो। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स मालूम है? हाँ याद है, याद है, याद है, केमिस्ट्री में था। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो जैसे न्यूलैंड के ऑक्टेव में उसने बताया था कि एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल जो था, एवरी एट्थ एलिमेंट एटॉमिक मास के हिसाब से जब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, तो एवरी एट्थ एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी पाई गई है ना, एवरी एट्थ एलिमेंट की। ये बेटा ऐसा कुछ आप लोगों ने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है, एवरी एट्थ एलिमेंट की हाँ क्या पाई गई, सिमिलर प्रॉपर्टी पाई गई जब उसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में रखा गया, ठीक है। तो वही चीज यहां पर आपको कैसे समझाई जा रही है, यहां पर यह समझाई जा रही है जैसे सर अगर आयटा की पावर 1, आयटा की पावर 2, आयटा की पावर 3, आयटा की पावर 4, तो एवरी फोर्थ एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आ रहा है यानी एवरी फिफ्थ एलिमेंट, देखिए जैसे अगर से मान लो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, तो एवरी फिफ्थ एलिमेंट जो होगा, ठीक है, यहां से पांचवा आ गया, फिर इसके बाद छठा, फिर इसके बाद सातवां, फिर इसके बाद आठवां, फिर इसके बाद नौवां, फिर इसके बाद दसवां और इसके बाद ग्यारहवां एंड सो ऑन। बेटा आप ऐसी काउंटिंग शुरू कर सकते हो जहां तक आपका मन करे, ठीक है बेटा। सर इसे उल्टा कर सकते हैं, हाँ बेटा काउंटिंग गलत मत करना, जैसे आयटा की पावर 1 से पहले आयटा की पावर 0 आता है, फिर आयटा की पावर -1 आता है, फिर आयटा की पावर -2 आता है, फिर आयटा की पावर -3 आता है। तो ये यहां पर कहना चाह रहा है कि सर दे हैव सिमिलर वैल्यूज, अब सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं बोल रहा हूं, दे हैव सिमिलर वैल्यूज, इनकी सेम वैल्यूज होगी, यानी अगर इसकी वैल्यू आयोटा है तो इन सब की वैल्यू क्या होगी बेटा, आयोटा होगी। इसकी वैल्यू -1 है तो इन सब की वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू अगर माइनस आयोटा है तो इन सब की वैल्यू माइनस आयोटा होगी। आप समझ रहे हो सर ऐसा क्यों होगा। अब आप ये खेल किसी भी तरीके से समझ सकते हो, मैं आपको असाधारण तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ये आपको पैटर्न तो समझ में आ गया कि सर ये काम कैसे कर रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है बेटा इसे समझो। मान लो मैं इसकी वैल्यू कहता हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, आयटा की पावर 3 के बराबर होगा, यानी कि ये माइनस आयटा के बराबर होगा, है ना। तो हमने कहा कि सर आयोटा की पावर 11 जो है वो माइनस आयटा के बराबर कैसे होगा ये बताइए। देखिए बेटा मैं इसे ऐसे अगर तोड़ना चाहूं तो क्या मैं इसे आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3 में तोड़ सकता हूं, हाँ या नहीं, जल्दी से बताओ, यस और नो। ठीक है ऐसे तोड़ सकते हो, आयटा की पावर 4 प्लस 4 प्लस 3, 4 4 8 प्लस 3 11। तो बेटा जैसे हमने कहा कि सर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है सर माइनस के आयोटा है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आया, माइनस के आयोटा आया। एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, बात समझ में आई है ना, तो माइनस के आयोटा आ गया। अच्छा अब इस बात को समझो कि इसके पीछे एक हम लोगों ने लॉजिक निकाल के लेकर आए सर, कौन सा लॉजिक ये निकाल के लेकर आए कि सर आयोटा की पावर, ध्यान से सुनिएगा, आयोटा की पावर जो भी आपने दिया है उसमें अगर आपने खास तरीके का पैटर्न देखा, कैसा पैटर्न देखा, हमने कहा सर एक तो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, अच्छा नहीं हुआ तो हमने कहा सर किसी नंबर से तो डिवाइड हो रहा होगा, हाँ ठीक है, और उसमें क्या होगा बेटा आपके प्लस एक रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये रिमाइंडर बचे ना बचे आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कहता है सर इसमें हमारे पास सीधा सीधा एक काम करो, वही रिमाइंडर मेरे पास आंसर होगा, जो भी रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो भी रिमाइंडर बच रहा है सर वही रिमाइंडर पावर हमारी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। जैसे इसको समझने की कोशिश करना बेटा यहां से, मतलब सर अगर मैं आयोटा की पावर 11 देख रहा हूं है ना, तो आप कहोगे सर 11 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया, किससे 4 से डिवाइड किया, तो क्या होगा सर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3, कैसे बेटा 4 2 जा 8 प्लस 3 बचेगा, हाँ तो रिमाइंडर कितना बचा सर 3 बचा, तो रिमाइंडर अगर 3 बचा है मेरे बच्चे तो यहां पर आयटा की पावर 3 के बराबर हो जाएगा, कौन बेटा आयटा की पावर 11, है ना बेटा समझ में आया ये बात, आयटा की पावर किसके बराबर हो जाएगा सर 3 के बराबर हो जाएगा और इसके आंसर माइनस के आयटा आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? नहीं नारुतो बेटा वो फ्रैक्शन वाला जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर रूट होता है, वो मैं आपको निकालना बता दूंगा और इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है बेटा, आप एनडीए का पेपर दे रहे हो उससे ज्यादा नहीं आएगा। बढ़िया क्लियर हो गया, ठीक है
चलो शाबाश। तो इसका मतलब सर अगर मेरे को सपोज कीजिए ये सारी चीजें जब हमें समझ में आ जाती है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये तो बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है। अब मान लो कि बेटा मैं तुमसे ये कहता हूं कि इसी चीज को अगर अप्लाई करना है मुझे, कैसे, मान लीजिए मुझे आयोटा की पावर कितना दे रखा है, 392 दे रखा है या फिर 393 दे रखा है, ठीक है 393। तो अब मेरे को यह पता करना है कि सर ये किसके बराबर होगा। तो अच्छा जी, तो अब फोर्थ का फोर से डिविजिबिली, मान लो बेटा इसके पीछे मैं ऐसा नंबर डाल देता हूं 751 ऐसा कोई नंबर डाल देता हूं कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको फोर की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है ना। फोर की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहती है कि सर जी मेरे आखिरी के दो नंबर को देख लो, बस आखिरी के दो नंबर को देख लो, उसे फोर से डिवाइड करके देखो, जो बच रहा होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी ये आयोटा की पावर 3 के बराबर हो जाएगा बेटा, जिससे मेरा आंसर माइनस के आयोटा आ जाएगा। क्लियर है, आखिरी के दो नंबर को 4 से डिवाइड करके देख लो बेटा, जो रिमाइंडर होगा वही मेरे पूरे नंबर का डिवाइजर हो जाएगा। क्लियर है, किट्टू गेमिंग बेटा प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई सवाल? चलो अच्छा एक और गेम खेलना सीख लो। ओ भाई शिट, रुको, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत? दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई, अभी आ रही है आवाज। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, ये किसी को बताना नहीं हाँ। चले आगे चलें, है ना, ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा तो हमने हमने कहा कि सर ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन अब मान लीजिए इसकी जगह पे मैं कुछ ऐसा देता हूं, सपोज मैंने इसको ना पलट दिया, आपको मैंने ऐसा ही कोई नंबर दे दिया 1/i 2539 ऐसा नंबर दे दिया, ठीक है बेटा ऐसा कोई नंबर दे दिया। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखना, हमने कहा कि सर डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से मुझे आखिरी के दो नंबर देखने हैं, उसी को चार से डिवाइड करके देख लो, तो हमारे पास ये 1/ में क्या जाएगा सर, 4×4=36 होता है, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। अच्छा अब जब तुम ऐसी स्टेज में आ जाते हो बेटा, ऐसी स्टेज में आ जाते हो, या तो तुम इसकी वैल्यू याद होगी, या तुम क्या करोगे बेटा, हमेशा पावर 4 बनाने की कोशिश करोगे नीचे। अभी कितनी है सर, 3, मतलब अगर 3 है तो आपको क्या करना होगा बेटा, आयोटा की पावर 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, तो नीचे क्या समान बन जाएगा सर, नीचे बन जाएगा हमारे पास आयोटा की पावर 4 बन जाएगा, है ना। नाउ व्हाट इज आयोटा की पावर 4 सर जी, 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा सर, सिर्फ आयोटा की पावर 1 आ जाएगा, अपॉन में बेटा 1 आ जाएगा, सो आंसर विल बी आयोटा। क्लियर है, मतलब पहले नीचे सिंप्लीफाई कर लो, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आओ जो भी उसका सिंपलेस्ट हो सकता है, और फिर सिंपलेस्ट को बेटा आयोटा की पावर 4 बनाने की कोशिश करो। समझ में आ गई बात, एवरीबॉडी क्लियर, कोई सवाल? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके नेक्स्ट, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सर। ये आयोटा के साथ हम लोगों ने खेलना थोड़ा थोड़ा सीख लिया, तो अब यहां पर मैं पट 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 अगर वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो आप मुझे क्या बताओगे, सर आयोटा की पावर 5 आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 9 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आयोटा की पावर 6 सर माइनस के 1 हो जाएगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर माइनस के आयोटा हो जाएगा, दिस इज माइनस के आयोटा, दिस इज 1 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1 हो जाएगा, फिर आयोटा की पावर 0 भी 1 होता है बेटा, आयोटा की पावर 0 भी 1 होता है, आयोटा की पावर माइनस 1 बेटा कितना हो जाएगा, ये 1/ में आयोटा हो जाएगा, सो दिस इज माइनस आयोटा, दिस इज नेगेटिव 1, दिस इज प्लस के आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो रेसिप्रोकल में, नेगेटिव पावर में अगर जाए ऐसे। तो इस पर एक खास क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए अलग अलग पैटर्न में पूछा जा सकता है, लेकिन इस चीज को समझ लो। ये सबसे पहले आपसे कह रहा है कि सर पी क्यू आर एस कैसे है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो
ये कह रहा है कि सर अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो ऐसे करके इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा हमारे पास जीरो होगा। क्या होगा बेटा? जीरो होगा। अच्छा ये चीज थोड़ा गलत तरीके से लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखने के लिए कोशिश करता हूं। ठीक है, इसमें थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ है। पी क्यू आर एस आर ऑल इंटीजर्स, पी क्यू आर एस आर ऑल इंटीजर्स, ठीक है ये दिया गया है। तो अब जैसे तुम यहां पर पहला सवाल अगर तुम देख रहे हो बेटा, ये पहला सवाल अगर वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जरा ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा समय आप लोगों के साथ लूंगा। ये सिग्मा के की पावर वन, ठीक है, के की पावर सॉरी के की वैल्यू वन से लेके टेन तक जा रहा है और आयोटा की पावर के है। तो हमने कहा सर आयोटा की पावर में सबसे पहले मैं वन रखूंगा, फिर वन से लेके कहां तक जाना है, टेन तक जाना है, इसका मतलब आयोटा की पावर टू रखूंगा, फिर आयोटा की पावर थ्री रखूंगा, फिर आयोटा की पावर फोर रखूंगा, फिर प्लस आयोटा की पावर फाइव, प्लस आयोटा की पावर सिक्स, प्लस आयोटा की पावर सेवन, प्लस आयोटा की पावर एट, है ना, प्लस आयोटा की पावर नाइन, प्लस आयोटा की पावर टेन हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैं यहां से कहूंगा बेटा देखो ये चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनकी वैल्यू कितनी हो गई सर, इनकी वैल्यू जीरो हो गई। कितनी हो गई? जीरो हो गई। अच्छा वो तो सर इसके हिसाब से भी अगर गए तो ये भी तो चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। हाँ ये भी चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है आयोटा की पावर में, तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। यानी मुझे पता चला कि सर इसका आंसर यहां से यहां तक अगर मैंने निकाला तो इसका सम आ जाएगा जीरो, यहां से यहां तक निकाला तो इसका सम आ जाएगा जीरो। तो बचेंगे कौन सर? बचेगा सिर्फ हमारे पास जीरो प्लस जीरो प्लस आयोटा की पावर नाइन बन जाएगा आयोटा की पावर वन, और आयोटा की पावर टेन बन जाएगा आयोटा की पावर टू, यानी ये बन जाएगा आयोटा माइनस वन के बराबर। एवरीबॉडी क्लियर? सो आंसर इज आयोटा माइनस वन। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे देखो, अगला सवाल ये कह रहा है कि सर अगर मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि ये तो क्वेश्चन तुमने निकाल दिया कि इसकी वैल्यू माइनस वन, आइडा माइनस वन आने वाली है, लेकिन सपोज करो मैं आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछता तो क्या करते? मैंने कहा कि बेटा सिग्मा मैंने के की वैल्यू कहां से शुरू करी, मैंने थ्री से शुरू करी और के की वैल्यू मैंने टेन तक ले ली। बेटा कहां तक ले ली? टेन तक ले ली, और यहां पर आइडा की पावर के बता दी, तो कोई बताएगा इसका आंसर कितना आएगा? चलो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, व्हाट विल बी द आंसर? हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? बेटा नॉलेज अड्डा, अचानक तुम्हारे कमेंट्स आने बंद हो गए। बी माइनस वन या फिर जीरो, अलग 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 जवाब आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा? आंसर है जीरो। आंसर क्या है? आंसर है जीरो। आइए समझाता हूं मैं कैसे ये जीरो है, आराम से समझना, देखना बेटा कैसे समझ में आ जाएगा। हमने कहा सर जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो आयोटा की पावर तीन से शुरू करूंगा, फिर आयोटा की पावर चार आएगा, फिर आयोटा की पावर पांच आएगा। ये समझना बेटा, जिनको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है वो आराम से इसे लिख कर समझना। फिर आयोटा की पावर सेवन, फिर आयोटा की पावर एट, फिर आयोटा की पावर नाइन, फिर आयोटा की पावर टेन। सर आपने ये कहा था कि अगर मैं पहले चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में पावर को जोड़ता हूं तो इसका आंसर जीरो, और फिर कोई भी चार अगर मैं जोड़ता हूं तो सर इसका आंसर जीरो होगा। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आया? जीरो प्लस जीरो, सो आंसर इज जीरो। समझ में आया बेटा? आंसर इज जीरो। तो आपको ये समझना है कि चार चार के कितने इंटीजर्स के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलो तो ये बेटा ये तुम्हें समझ में आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया सर? इसका आंसर आयोटा माइनस वन आया। अब ये बी के वन से लेके बीस तक चल रहा है तो सर चार चार के पांच जोड़े बने होंगे तो इसका आंसर जीरो आने वाला है। लॉजिकली तेज सोचना बेटा, तेज सोचना है। मैंने आपको रूट कॉज बता दिया, अब आपको तेज सोचने पर दिमाग लगाना है। ठीक है, धीमे तो बेटा विंडोज एक्सपी भी था, है ना? ठीक है जी, चलो बढ़िया। अब यहां पर अगला वाला ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट 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 प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही है
कि सर जी अगर मैंने यही कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिए तो ऐसे में सर इनका जो प्रोडक्ट होगा चारों का वो माइनस वन होगा। अच्छा, तो अब यहां पर ये जो ये वाला सिंबल है ना बेटा, जैसे ये समेशन का होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का होता है, ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का। यानी यहां पर अगर वो ऐसा सिंबल आपको दे रहा है जहां पर कह रहा है कि सर के की वैल्यू जो है 1 से लेके कहां तक है 10 तक है, राइट, और फिर वो आयोटा की पावर के दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपसे कौन सी वैल्यू मांग रहा है, वो कह रहा है कि सर आयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 7 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 9 एंड मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 10। तो हमने कहा कि सर अगर मैं इतनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 1। इतनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर जी, माइनस के 1। अच्छा सर आयोटा की पावर 9 कितना होता है, भाई आयोटा की पावर 9 होता है हमारे पास आयोटा की पावर 1 के बराबर और ये आयोटा की पावर 2 के बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई सर, इसकी वैल्यू आ गई आयोटा के बराबर, इसकी वैल्यू क्या आ गई सर जी, इसमें वैल्यू आ गई माइनस वन के बराबर, है ना, कितना आ गया आयोटा की पावर 10 इज नेगेटिव 1। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कुल मिला के मेरा आंसर कितना आया बेटा, माइनस के आयोटा आया। एवरीबॉडी क्लियर, समझ में आया सबको, अंशिका गिरी शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, ये चार से ज्यादा ही टर्म्स के लिए मैं सवाल करवा रहा हूं। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि चार कंसेक्यूटिव टर्म्स के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इनका एप्लीकेशन तो मैं चार से ज्यादा के लिए बता रहा हूं ना बेटा, ध्यान किधर है, ध्यान दो बेटा, चार से ज्यादा के लिए तो बता रहा हूं ये चीज, बढ़िया ठीक है, चले आगे। चलो आगे चलते हैं ना, यहां तक हमें समझ में आ गया आयोटा के साथ खेलना। तो अब देखो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ रहा है, ये देखो इसने 2021 के सेकंड वाले में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आयोटा की पावर एन, एन की वैल्यू 1 से लेके 8n प्लस 7 तक डाल रहा है, इक्वल टू वेयर दिस। अब बेटा देखो मुझे इतना तो समझ में आ गया सर, गिनती चलती रहेगी, कैसे गिनती ऐसी चलती रहेगी कि आप आयोटा की पावर 1 लिखोगे, फिर आयोटा की पावर 2 लिखोगे, फिर आयोटा की पावर 3 लिखोगे, फिर आयोटा की पावर 4 लिखोगे, तो रुकना कहां पर है, इसका कहना है कि सर रुकना हमें आयोटा की पावर 8n प्लस 7 में है, मैं पहले लॉजिकली समझा रहा हूं। तो अब मुझे 8n प्लस 7 को ना देखना है कि सर ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है 8n प्लस 7 बेटा, इसे समझ लेना, बाकी मैं इसका छोटा तरीका भी बताता हूं। 8n प्लस 7 है, जैसे ही आप इसे 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सर 4 से डिवाइड करके मुझे यह पता लग जाएगा कि चार चार के कितने जोड़े बनने वाले और कितने जोड़ों में नहीं बदलेंगे, है ना। तो हमने कहा कि सर 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2n जा बेटा कितना आ जाएगा, 8n आ जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा सर 7 बचेगा, तो फिर प्लस आप क्या करोगे बेटा, प्लस 1 जा चलाओगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा 3 बचेगा, तो हमारे पास सर तीन टर्म्स बच जाएंगे, तीन टर्म्स बच जाएंगे, तो आयोटा की पावर 4 के बाद तीन टर्म्स बच जाएंगे, है ना। तो वो मुझे इतना समझ में आया कि सर तीन टर्म्स का कंसेक्यूटिव सम हमें चाहिए होगा, तीन टर्म्स का। लेकिन सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, मतलब अगर मैं तुम्हें ये बात समझाऊं कि अब इसमें बचेगा क्या, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि सर तीन टर्म्स बचेंगे, वो कौन कौन से बचेंगे आप, क्योंकि सर आयोटा की पावर 8n प्लस 7 वाला टर्म तो बचेगा ही। अच्छा उसके साथ बेटा आयोटा की इससे पिछले वाली टर्म बचेगी 8n प्लस 6, इससे पिछले वाला बेटा आयोटा की पावर 8n प्लस 5 बचेगा, ये तीन टर्म्स बचेंगे लॉजिकली। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा की पावर 1, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे, ये आपका आयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका आयोटा की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ, इसकी वैल्यू आयोटा है, इसकी वैल्यू माइनस के 1 है, इसकी वैल्यू माइनस के आयोटा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा नेगेटिव 1। तो हमें आंसर तो मिल गया सर जी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव 1। लेकिन सर ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आइए आसान वाला समझाते हैं, ये तो कंफ्यूजिंग है। आसान वाला ऐसा बेटा, हम लोग क्या करते हैं, n आपका कोई भी यहां पर नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और आपको यहां पे 8n प्लस 7 दिया है, तो आप मैक्स टू मैक्स n की वैल्यू कहां तक ले लो बेटा, n की वैल्यू 1 ही मान लो। तो हम कह रहे हैं कि सर अगर मैं n की वैल्यू 1 से ही शुरू करता हूं, जरा ध्यान से देखना, और यहां पर n की वैल्यू 1 रख देता हूं, तो 8 और 7 15 हो जाएगा, जी सर जी, तो इसका मतलब वही आएगा आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इनका सम हो जाएगा। फिर अगला बेटा आयोटा की पावर 5 से लेके कहां तक आएगा सर जी, आयोटा की पावर 8 तक आएगा। फिर उसके बाद आयोटा की पावर 9 से लेके कहां तक आएगा, आयोटा की पावर 12 तक आएगा।
फिर बेटा आइटा की पावर 13 प्लस आइटा की पावर 14 और प्लस आइटा की पावर 15 ये बच जाएगा. सो यू विल सी दैट कि सर इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी सर आयोटा के बराबर, इसकी वैल्यू सर -1 के बराबर, इसकी वैल्यू सर माइनस आइटा के बराबर. कैंसल आउट होके बेटा माइनस के बना जाएगा. समझ में आ गया सबको? यस. ठीक है, बढ़िया. चलो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सर 8 तो फैक्टर है 4 का, तो बचेगा सिर्फ 7 ही ना. तो बेटा दीपशिका बैरागी, दीपशिका मेरी बात सुनो, 8n प्लस 7 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 7 जो है वो भी तो 4 से डिवाइड होता है ना बेटा. रिमाइंडर तो 3 आया ना बाबू, रिमाइंडर 3 आया ना. समझ में आया यार? मैंने सोच लिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं थक चुका हूं. हालांकि मैंने एक दो आंसर सोचे थे रोस्ट करने वाले, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्यों भाई, बहुत हो गया यार इनका नाटक, बोलने दो, क्या कर सकता हूं मैं, है ना. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, चलो शाबाश. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, एनडीए 2020-21 में फिर से सवाल पूछा गया आयटा के रिलेटेड ही. अगर आयटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 है, देन हाउ मेनी वैल्यूज डज आयटा रेस टू पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n रे बिलोंग्स टू z. अच्छा आइए देखिए बेटा इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. सर आयटा की पावर माइनस के 2n बताया जा रहा है. अच्छा तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये 1 अपॉन में आयटा की पावर 2n हो जाएगा. हाँ बात तो ठीक है. तो अब आयोटा की पावर 2n जो है, मैं आयोटा स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूं. हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हो. अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है सर जी? -1 होता है, और इसकी पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा. नाउ अगर n मेरा इंटीजर है मेरे बच्चे, n अगर मेरा इंटीजर है, तो आप कहोगे सर अगर n इंटीजर है तो या तो n इवन हो सकता है या तो n क्या हो सकता है सर जी? ऑड हो सकता है. जी सर जी, अगर n इवन हुआ तो -1 की पावर n जो होगा बेटा वो 1 देगा, और अगर n ऑड हुआ तो -1 की पावर n जो होगा वो -1 देगा. तो मुझे यहां से समझ में आया कि सर इसका मतलब इसका आंसर प्लस या माइनस के 1 हो सकता है. कौन? आयटा की पावर -2n जो है वो प्लस या फिर माइनस के 1 हो सकता है. सो इसने कहा हाफ डिफरेंट वैल्यूज. कितनी वैल्यूज हो सकती हैं सर जी? 2 वैल्यूज हो सकती हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है ना, बढ़िया. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना. चलो शाबाश. नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल तो नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट है. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी सम्मिश्र संख्याएं, इन्हें हिंदी में कहा जाता है सम्मिश्र संख्याएं. और सम्मिश्र संख्याओं के साथ क्या होता है कि बेटा मैंने जब पहली बार इसको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किसी मतलब अपने से छोटे बच्चे को, अपने से छोटे से मतलब, हाँ इसकी कहानी कभी और बताएंगे, ठीक है. तो क्या था कि जब मैंने पहली बार पढ़ाया तो मैंने सम्मिश्र संख्याओं को ऐसे समझाया कि भैया, और आज भी मेरे को मन तो करता है कभी कभी जब थोड़ा समय कम लगता है ना मेरे को कि समय कम है, तो तब मैं ऐसे ही चले जाता हूँ. लेकिन अभी सुनो मेरी बात. सम्मिश्र संख्याओं में क्या होता है बेटा, ये जो रियल नंबर होता है ना, ये हमारे वास्तविक लोग हैं, आसपास हमारे लोग हैं, ठीक है. और इसमें समझना कि इंसान को इंसान से कोई अलग, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मान के चलो इंसान को इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. हाँ सर बहुत बेकार बात बोल रहे हो आप, चुप. ठीक है, तो वैसे मान के चलो इंसान को इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो भूतों की नगरी होती है उन भूतों को भूतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो वो भूत एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है, गप्पे लड़ा रहे हैं. ऐसे इंसान लोग भी अपना शाम के टाइम पे बैठ के चाय पी रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं. लेकिन जब इनके दोनों की दुनिया के बीच में क्या होता है बेटा, मिक्सचर बनता है, यानी कोई भूत जो है वो इंसानी शरीर के ऊपर आता है, तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है. तो वहां पर हमारा जन्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. यानी अब हम कह रहे हैं कि सर हमने एक रियल नंबर ले लिया और एक इमेजिनरी नंबर ले लिया. यानी हमने क्या किया, हमने एक रियल नंबर ले लिया और एक इमेजिनरी नंबर ले लिया,
मतलब अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये करेंगे, तो तब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है। तो अब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि सर अगर मैं किसी रियल नंबर में क्या कर देता हूं, किसी भी इमेजिनरी नंबर को जोड़ देता हूं, किसी भी इमेजिनरी नंबर को जोड़ देता हूं, तो वो क्या बनकर आएगा, वो बनकर आएगा बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनकर आएगा। ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमने अभी तक पूरी तरीके से इमेजिनरी नंबर को अच्छे से समझ लिया है ना, ठीक है ठीक है। कुछ चल रहा है मुझे कमेंट्स में नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। अबे सूद दिया करो, कोई ऐसा आया ना उसको सूद दिया करो थोड़ा तमीज से, ठीक है। तुम लोगों भी तो बढ़िया रोस्टिंग आती होगी ना, तुम लोग भी पकड़ के निपटा दिया करो, ठीक है। चलो अब मेरे को तो पढ़ाने दिया करो यार, मेरे को पढ़ाने दिया करो, मेरे को इन सब में मत घसीड़ो, ठीक है, मेरे को इन सब में बिल्कुल मत घसीड़ो। चलो अब इधर ध्यान से सुनो, अब हम कह रहे हैं कि यहां पर एक बच्चा गया फार ऑफ, ये फार ऑफ को मुझे फार ऑफ करना चाहिए अब, ठीक है, फार ऑफ को फार ऑफ कर दो। चलो बढ़िया, ठीक है, अब इधर आओ ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, अब हमने कहा सर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बनता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसा मैंने तुम्हें दिखाया था कि ये वाला रियल एक्सिस है ना, ये वाला कौन सा एक्सिस है सर, ये वाला रियल एक्सिस है, जी सर जी, और ये कौन सा एक्सिस है बेटा, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसकी मदद से जब आप क्या करते हो बेटा, एक कार्टेशियन प्लेन जैसा कुछ बनाते हो, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं एर्गेंट प्लेन। इसी का नाम क्या है बेटा, एर्गेंट प्लेन। अब एर्गेंट प्लेन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का वे है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का प्लेन है ये। तो इसमें जैसे मान लो बेटा मैं अलग अलग वैरायटी के कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपसे बोलूंगा, जिसमें आप देखिए बेटा यहां पर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, z1 बराबर दे, z2 बराबर दे, z3 बराबर दे, z4, z5, z6 है ना। तो आप देखोगे सर z1 जो है वो 2+3 आयोटा है, तो अगर मैं नंबर सिस्टम देखूं तो हमारे पास ये 2 हो जाएगा, और सर 3 आयोटा किधर होगा, सर जी 3 आयोटा हमारे पास इधर होगा, है ना, दिस इज 3 आयोटा। तो अब आप मुझसे ये कहोगे कि सर इसका मतलब आप अगर यहां से 3 आयोटा यूनिट्स ले गए और यहां से 2 यूनिट्स पर आपने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा Z1 पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज 2+3 आयोटा। आप देख पा रहे हो कि ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर आने वाला एक नंबर आ रहा है एर्गेंट प्लेन के हिसाब से। एवरीबॉडी गेटिंग क्लियर, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वो कह रहा है -4+5 आयोटा बेटा, -4 किधर होगा, -4 बेटा इधर देखो, -4 इधर कहीं होगा, ये माइनस का 4 हो गया, और क्या बोल रहा है सर 5 आयटा, सर 5 आयटा देखो इधर की तरफ होगा, है ना। तो जब आप यहां से ये नंबर आपने यहां खींचा, ठीक है, और यहां से आपने ऐसे करके नंबर खींचा, तो अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट के ऊपर आया नंबर है कौन सा बेटा, Z2 नंबर जो है वो -K4+K5 आयटा, जगह नहीं बन रही है, ठीक से बनाएंगे। हाँ ये नंबर कौन सा है सर जी, दिस नंबर इज Z2 -K4+K5 आयोटा, एंड दिस आर नंबर ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट सर -1 -4 आयोटा बेटा, इधर देखो -1 -4 आयोटा, दिस इज -1, जी सर जी, और -K4 आयोटा ये हो गया, -K4 आयोटा कहीं इधर कहीं आ जाएगा, जी सर जी ये हो गया। तो अगेन मैं यहां से -K1 से और -K4 आयोटा तक का ये कॉम्बिनेशन ढूंढता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि ये वाला जो नंबर है दिस इज Z3 नंबर, That is -K1 -K4 आयटा, which belongs to the fourth quadrant, sir, third quadrant, है ना? This is a third quadrant number. और लास्ट में आप देखो बेटा ये लास्ट में आप देखोगे सर 3 -5 आयटा, सर 3 हमारा इधर कहीं आ जाएगा, और -K5 आयटा है, तो -K5 आयटा यहां ये वाला नंबर हो जाएगा। तो आप यहां से ऐसे करके खींचोगे और 3 से यहां परपेंडिकुलर खींचोगे, तो विल गेट अ इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि हमारा Z4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज 3 -K5 आयोटा, एंड यू विल ऑब्जर्व कि ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एर्गेंट प्लेन में प्लॉट करना सभी को आ गया, यस और नो? ओके अमन यादव बेटा, प्लीज स्पैम मत करो ना बेटा, प्लीज स्पैम मत करो, रिक्वेस्ट। ठीक है चलो आगे चले, है ना। अब यहां पर दो खास तरीके के नंबर्स देखो,
ये आप बोलोगे कि सर ये तो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये प्योरली रियल नंबर है, जबकि ये कैसा है सर जी, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे हो, आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे हो? बेटा जब मैंने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी रियल नंबर को, रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर से जोड़कर बनाया जाता है, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बेटा इसे समझना है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने कहा कि सर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर को जोड़कर बनाया जाता है, तो इन दोनों को जोड़ने से पहले मैं कहूंगा कि सर ऐसा हो सकता है कि मैंने यहां पर क्या किया बेटा, यहां पर आयोटा लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर हो सकता है कि मैंने यहां जीरो डाल दिया और यहां पर कोई नंबर डाल दिया हो, तो अब ये नंबर क्या बन गया सर, ये एक्चुअली में टू आयोटा बन गया है ना, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं माना जाएगा? सर रियल नंबर तो आपने जीरो ही लिया था ना, हाँ जीरो लिया था, रियल नंबर तो मैंने जीरो ले लिया था, तो सर ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा इसी हिसाब से अगर तुम इसको देखोगे बेटा है ना, यहां पर अगर मैंने यहां जीरो डाल दिया, सॉरी मैंने मैंने यहां जीरो डाल दिया और यहां पर मैंने कोई नंबर डाल दिया, तो बेटा ये कौन सा नंबर हो गया सर, ये थ्री हो गया, लेकिन सर स्ट्रक्चरल वाइज अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब इस चीज को जब हम समझ गए तो सर अब इसकी प्लॉटिंग ना देखो क्वाड्रेंट्स में नहीं होती है, समझना इस बात को, इसकी प्लॉटिंग क्वाड्रेंट्स पे नहीं होती है, अब इनकी प्लॉटिंग जो होती है बेटा एक्सिस के ऊपर होती है, जैसे Z5 जो कि एक रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर कहां आएगा सर जी, रियल नंबर पर ही तो आएगा, बात तो ठीक है, तो रियल नंबर लाइन ये है, और अगर -3 है तो सर जी ये वाला पॉइंट हो जाएगा कौन, दिस इज -K3, दैट इज Z5 हमारे पास कौन आ गया सर जी, -K3 आ गया। एवरीबॉडी क्लियर? सर Z6 जो है 4 आयोटा है, तो वो कहां आएगा, वो आएगा बेटा 4 आयोटा यहां पर आ जाएगा, सो दिस इज Z6, दैट इज 4 आयोटा आ गया। एवरीबॉडी क्लियर? किसी को कोई सवाल तो नहीं है इसके ऊपर कि सर जो हमारे पास प्योरली रियल नंबर या प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं वो सर एक्सिस के ऊपर प्लॉट होते हैं, ना कि किसी क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है? तो अब हमने कहा कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसा मैंने आपको कहा प्लीज इसे थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ये स्किप कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अभी अभी जैसा मैंने बताया कि बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को जोड़कर बनाया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी नंबर का सर डिफरेंशिएशन रियल से करना है तो सिर्फ एक आयोटा लगा देते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा बेटा, सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक्स रखा है, यहां पर मैंने कोई वाई रखा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसी एक्स को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड कहते हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस जेड का रियल वाला हिस्सा, और ये जो वाई होता है बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे अगर जेड बराबर ए प्लस आयटा बी है तो इसका रियल पार्ट ए हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बी हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा, नॉट आयोटा बी, ये ध्यान रखिएगा, आयोटा बी नहीं है, सिर्फ बी होगा, आयोटा बी नहीं होगा। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलो अब लास्ट चीज हम लोग ये कह रहे हैं कि सर द ओनली नंबर इकलौता नंबर है जो कि सर रियल भी है एज वेल एज इमेजिनरी भी है, तो हम लोग वो नंबर कौन है सर जी, वो नंबर ऐसा है जो दोनों एक्सिस पर आता है, दैट इज जीरो। तो ओनली नंबर दैट इज एज वेल एज रियल एज वेल एज इमेजिनरी, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों है, तो वो ऐसा कौन सा नंबर है सर जी, वो जीरो है। ठीक है बाबू, दैट इज ओनली नंबर, जीरो है। अच्छा अब यहां पर हम लोग ना एक छोटी सी चीज यहां पर समझेंगे, ये कहीं पर लिखने की जगह है क्या, वैसे तो लिखने नहीं है, हाँ ठीक है कोई नहीं, यहां पर लिख ही देते हैं, कोई जगह मिल रही है क्या सर जी, आपने पूरा पेज तो भर दिया, चलो यहां पर नोट लगा देते हैं ऐसे करके, है ना, नोट नोट
अगर बेटा अगर हमारे पास z जो है, ध्यान से सुनिए, इफ z इज प्योरली रियल, अगर मेरे पास, ये चीज मैं पहले ही समझा चुका हूं ऐसा क्यों है, अगर z जो है दैट इज प्योरली रियल, इट इंप्लाइज दैट बेटा उसका इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जीरो है, दैट इज उसका b की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बाबू, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू जीरो, यानी जिसे हम b कहते हैं, तो मैं b नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इज ओके. फिर वहीं पर ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास z जो है इज प्योरली रियल की जगह इमेजिनरी हो जाए, क्या हो जाए बेटा, इमेजिनरी हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर उसका जो रियल पार्ट है उसे जीरो रखा गया था, बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है. ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों है, तो उसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों जीरो रखे गए, तो वो जीरो प्लस जीरो आएगा, दैट बिकम्स द जीरो. आई गेस दिस इज क्लियर. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मॉड्यूलस के बारे में ना. व्हाट इज मॉड्यूलस, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा समझ लेते हैं व्हाट इज मॉड्यूलस. हम ये कह रहे हैं दोस्त, हमसे समझिएगा, सपोज कीजिए हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, सपोज एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज लेट अस अज्यूम जेड बराबर कितना है सर जी, 3 + 4 iota है. ठीक है, क्या है, 3 + 4 iota, या फिर आप इसे ऐसे ले लो बेटा -3 + 4 iota ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. तो इसे देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये एक सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है. जी सर जी, तो चलिए हम लोग बात करते हैं. हमने कहा कि सर ये मान लो हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 हो गया, दिस इज 1 + 2 + 3 हो गया, यानी सर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाला है वो 3 से ऊपर जाएगा, -3 से ऊपर जाएगा, और ये सर 4 iota ऐसे करके बन जाएगा, राइट. तो हमें समझ में आ रहा है कि सर दिस इज -k3, दिस इज +k4 iota, और यहां हमारे पास आ जाएगा बच्चे नंबर जो कि हमारे पास z है, दैट इज -k3 + k4 iota. जी सर जी, अब यहां पर पता है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चे जब आप ओरिजिन से आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करते हो, तो ये जो लंबाई आप लोग देख रहे हो ना, ये लंबाई, ये वाली जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इस z का मॉड्यूलस कहते हैं. दिस इज द मॉड्यूलस z. The length of the line segment joining the origin and the point in the Argand plane. अच्छा, तो हम लोग यहां पर logically दिखाते हैं. हम ये कहते हैं कि सर अगर मैं इतने की लंबाई पूछूं, तो ये लंबाई जो है सर ये real part of z का क्या है, mod value है. हाँ, और ये वाली लंबाई अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा, तो तुम ये बोलोगे सर ये imaginary part of z का mod value होगा. हाँ, तो अगर मुझे इसकी लंबाई बतानी है बेटा, इसकी लंबाई बतानी है, तो क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम आपसे कह रहा है कि अगर मॉड जेड निकालना है तो दैट विल बी अंडर द रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, अब मॉड का स्क्वायर करोगे तो हटी जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या जाएगा सर जी, इसका स्क्वायर यानी रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा. क्या किसी को कोई सवाल मॉड्यूलस को लेकर, जल्दी से बताइए. तो इसका मतलब जब मुझे इसका आंसर निकालना होगा, सो व्हाट इज मॉड्यूलस z, तो आप कहोगे सर इधर देखिए, दिस इज -3 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज +4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 9 + 16, यानी आंसर आ गया हमारे पास 5. एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, डन डना डन. चलिए शाबाश, वेरी गुड, ओके. ठीक है, तो अब हम लोग यहां से कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेंगे, जो प्रॉपर्टीज तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा. देखो प्रूफ वगैरह मैं नहीं करवाऊंगा यहां पर. यहां पर आपको दे रखा है कि सर मॉड्यूलस इज द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन इन द आर्गन प्लेन, ये मैंने बता दिया. अगर z बराबर a प्लस आइटा b है, तो मॉड z बराबर क्या, अंडर द रूट a² + b² है, फॉर्मूला ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है. नाउ आपको जो याद करने हैं बेटा, वो ये याद करने हैं, सारे के सारे याद करने हैं कि सर z का जो मॉड्यूलस होगा वो -z के मॉड्यूलस के बराबर होगा. z का कॉन्जुगेट तुम्हें अभी मालूम नहीं है, तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. ये सब आपको क्या करने हैं बेटा, ये याद कर लेने हैं. कर लोगे? हाँ सर जी, कर लेंगे. सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, क्योंकि इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा. ठीक है, जैसे जैसे सवाल आएंगे इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. याद कर लोगे? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. वैसे मैं इसका पीडीएफ कहां दूंगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. जी सर जी, ठीक है. चलो आइए,
इनके ऊपर अगर हम लोग इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं तो देखो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले ना ये करना सीख लो सबसे पहले। अब ये करना सीख लो बेटा, ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि सर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया जाता है तो सर ये वाला रिजल्ट अगर मैं याद कर पाऊं तो मैं ना एफिशिएंटली मैं बाकियों से थोड़ा सा तेज हो जाऊंगा। और आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी सारे सवाल जो है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर बार बार आपको पूछे जाते हैं और बच्चा जो है जब उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करता है तो इट टेक्स टाइम। तो और कई बार ऐसी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हुए वो प्लस माइनस आयोटा वगैरह वाली गड़बड़ जो है वो कर जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है आते हुए भी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे सीधे तरीके से अप्रोच करेंगे और देखेंगे कि इसको करना कैसे है। ठीक है, ठीक है, आदर्श पांडे हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा शांत रहो बेटा, शांत रहो, है ना, शांत रहो प्लीज। चलो इसका निवारण करते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा अब हम कह रहे हैं कि सर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन अगर हो रहा है, सपोज मैं इसके ऊपर एग्जांपल आपको करवा देता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। हमने कहा कि सर सपोज कीजिए आपने 3+2 आयोटा ऊपर रखा है और नीचे क्या रखा है 4 माइनस के 5 आयोटा रखा है, ऐसा कोई नंबर रखा है। अब इसको सॉल्व अगर आप करना चाहते हो तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं सर, इसको रेशनलाइज करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखो। सबसे पहले इसने कहा कि सर ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो और बी और डी को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ए और सी को मल्टीप्लाई, बी और डी को मल्टीप्लाई, इसका मतलब सर 3, 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहां पर नंबर आ गया 12। अच्छा, 2, 5 जा माइनस के 10 हो गया, यानी यहां जाएगा माइनस के 10। अच्छा, तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। अच्छा, फिर कह रहा है कि सर बी को सी से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करो और इनका माइनस कर दो। अच्छा, बीसी यानी कि 2, 4 जा कितना हो जाएगा सर जी 8 हो जाएगा, तो यहां पर आया बेटा प्लस के साइन के साथ 2, 4 जा 8 आ गया और 3, 5 जा 15, ये माइनस का 15 है तो माइनस माइनस प्लस के 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा सर सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये 2/41 प्लस बेटा 23/41 आयोटा बन जाएगा। क्या ये ज्यादा तेज था, जल्दी से बताइए, एवरीबॉडी क्लियर? बढ़िया, बताओ फटाफट बताओ, मजा आ गया है ना। तो इसके साथ अपने थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी नंबर रख के प्रैक्टिस कर लेना बाबू, है हाँ प्रैक्टिस कर लेना तब आ जाएगा ये मैंने तुम्हें करना सिखा दिया, लेकिन बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है सबको। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे तो उसमें आप अपने नंबर्स देखकर आप उसे रेशनलाइजेशन तरीके से भी करके देखना और फिर ऐसे वाले मेथड से करना तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, राइट। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा ये चीज सर समझ में आ गई। अब जैसे मुझे ना यहां पर कुछ वैल्यूज मैं कहता हूं कि बेटा याद कर लो, जैसे अगर 1/1 आयोटा है तो आपकी इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 - iota/2 के बराबर होती है, किसके 1 - iota/2 के बराबर होती है। और यहां पर सर ये जो होता है ये 1+iota/2 के बराबर होती है। सर इसके पीछे कोई लॉजिक है बेटा? आप एक तो ऐसे करके निकाल सकते हो, एक आप रेशनलाइज करके निकाल सकते हो, लेकिन इसका कॉमन सेंस देखना। कॉमन सेंस ऐसा है बेटा, सपोज कीजिए अगर मैं 1 - iota/1+iota को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं, आपको 1 - iota/1+iota को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं, तो आप मुझे यही कहोगे ना सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर - iota का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1+1 बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे हाँ, तो हमें समझ में आया कि सर अगर आयोटा माइनस वन की वैल्यू, इधर देखिए सर आयोटा 1 - iota/1+iota की वैल्यू किसके बराबर आ रही है सर 2 के बराबर आ रही है, तो अगर मैंने इसमें छेड़ाखानी करी तो क्या होगा सर, इसको इसके नीचे ले आऊं, इसको नीचे ले आऊं, तो आपके पास 1 - iota/2 किसके बराबर आ जाएगा सर जी, वो 1/1+iota के बराबर आ जाएगा या नहीं, क्या ये अब तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, बढ़िया। चलो तो ऐसे अलग अलग तरीकों से सोचोगे ना तो आपको सीखने में मजा आएगा, आपको आपको याद रहेंगी कि अरे अरे ऐसे ऐसे होता था, वैसे वैसे होता था। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना ये याद रखिएगा बेटा, ये आपको बार बार काम आएंगी पेपर में।
ठीक है, चले आगे चले, आइए चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इसके ऊपर सर सवाल कैसा पूछ लिया गया है, यहां देखिए बेटा, ये कह रहा है सर अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है such that z minus 1 upon में z plus 1 is purely imaginary, then what is mod z equal to? बेटा अब इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे खत्म करूंगा, आपको मजा ही आ जाएगा। हमने कहा कि सर लेट कर लेते हैं, z जो है वो हमारे पास क्या है सर, x plus iota y है, मान लिया सर जी। तो अब मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट इज z माइनस के 1 अपॉन में z प्लस के 1। तो बेटा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आप एक रियल नंबर माइनस कर रहे हो, तो रियल नंबर में से ही तो माइनस होगा ना, हाँ इमेजिन नंबर से थोड़ा ना होगा, यानी ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई बन जाएगा। जी सर जी, फिर आपने क्या सिखाया था सर, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना सिखाया था आपने, तो करो भाई करो, करते क्यों नहीं हो, है करो करो सर, ऐसे आ जाएगा सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 सर x स्क्वायर माइनस के 1 आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई सर y y जा y स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस के y स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया मेरा पहला स्ट्रक्चर। प्लस सर आयोटा टाइम्स यानी हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा सर, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स वाई प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, यानी कि यह बन जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई, तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई बन जाएगा। तो यू विल से दैट कि सर देखो ऐसा है, माइनस के एक्स वाई और प्लस के एक्स वाई कट जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस बेटा वाई का स्क्वायर आ जाएगा। जी नाउ यू विल से दैट कि सर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, जिसे मैं अगर ढंग से लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ज्यादा ज्यादा लिखकर बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी बच्चा ऐसा बोले कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, ये आपने कर दिया बेटा। तो अब ये कह रहा है कि सर ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैसा नंबर है, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब सर रियल पार्ट ऑफ जेड कैसा है सर जी, जीरो है। हाँ रियल पार्ट अगर जीरो है तो इसका रियल पार्ट कौन है बबुआ, सर जी इसका रियल पार्ट तो ये है, इतना हिस्सा रियल पार्ट है, यानी कि हम कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वन अपॉन में ये जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है ये जीरो है, इस सामान को इधर भेज दो तो आपके पास सिंप्लीफाई होके बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, वन आ जाती है, इतना आपके पास आ जाता है। अब फाइनली उसने मेरे से क्या पूछा सर, मॉड जेड की वैल्यू पूछी, राइट। तो मॉड जेड कितना होता है सर, मॉड जेड होता है अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जी सर जी, जिसमें अगर आप अंडर द रूट में वन डाल रहे हो तो आंसर हमारे पास वन आ जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर ये देखो एनडीए 2022 में पूछा गया सवाल है, बहुत आसान सवाल है बेटा। यहां पर आपसे कह रहा है कि सर जेड बराबर 1 प्लस आइटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस आइटा साइन थीटा है, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ जेड। यानी कि बेटा अभी वो आपसे क्या पूछ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ जेड पूछ रहा है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि सर अगर मैं मॉडुलस z1 अपॉन में z2 कर रहा हूं तो ये एक्चुअली में z1 का मॉडुलस अपॉन में z2 का मॉडुलस हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इसी के हिसाब से बेटा जब मैं यहां पर 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस अगर ढूंढ रहा हूं तो आप सर ऊपर 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस ढूंढ दो और नीचे सर 1 माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस ढूंढ दो, सर बात तो ठीक है, प्रॉपर्टी यही कहती है। हां जी प्रॉपर्टी यही कहती है। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सर, इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा सर, इसका भी 1 प्लस साइन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बेटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म, ठीक है बढ़िया, डन डन डन। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर हमें, व्हाट इज द एंगल थीटा वेयर सच दैट जेड इज प्योरली रियल। अब खेला खेला जाएगा बेटा, अब खेला आएगा, खेला कैसे खेलेंगे सर जी, हमको ना जो जेड दिया गया है वो दिया गया 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, ध्यान देखिएगा बेटा आयोटा साइन थीटा
डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब आप इसे कन्वर्ट करो वही वाले मेथड से। कैसे सर जी? वन इंटू वन कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक माइनस का साइन है तो दिस विल बी माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द नंबर। प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ आपके पास क्या जाएगा सर जी? साइन थीटा इंटू वन साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई नीचे क्या समान होगा सर जी? नीचे हमारे पास वन का स्क्वायर वन और साइन थीटा का स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब इसने कहा कि सर हमारे पास इसका जो जेड है वो प्योरली रियल है। क्या बताया गया बेटा? प्योरली रियल बताया गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड इज इक्वल्स टू जीरो। जी सर जी, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो आप देखोगे सर इसका इमेजिनरी पार्ट मेरे पास कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा मेरा इमेजिनरी पार्ट है ना, इसके नीचे भी आ जाएगा, आप ले लो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा कि सर इसका मतलब ट्वाइस ऑफ साइन थीटा जो है अपॉन में बेटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है यही हमारे पास जीरो है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहोगे सर साइन थीटा की वैल्यू जीरो है, और जनरल इक्वेशन के हिसाब से आपको मालूम है कि सर थीटा जो होगा वो एन पाई से बिलोंग करेगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अगला ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये चीज तो हम लोगों ने बना ली सर, तीसरा सवाल भी पूछा होगा। अब तीसरा सवाल उसने क्या पूछा कि भैया यही चीज अगर आप प्योरली इमेजिनरी हो जाए तो प्योरली इमेजिनरी के हिसाब से हमें क्या समझ में आया? सर इसका मतलब यही हुआ कि इसका जो रियल पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द रियल पार्ट ओवर हियर? आपको सर देखो ये है हमारे पास रियल पार्ट, दैट इज दिस अपॉन में दिस, राइट सर? हाँ सर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीरो बन जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप सब जानते हैं क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सिंस कॉस स्क्वायर थीटा अगर जीरो है तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होना चाहिए। और तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से जानते हो कि सर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, डन डन डन। जिद्दी कैडेट बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली वाली वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की, आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी माइलस्टोन बैच की? बोलो हाँ या ना। देखिए आपने बेटा, बार बार बोलने से नहीं समझ में आएगा मेरे को, मुझे नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। मैंने तुमसे कहा कि तुमने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी, एक काम करो एक बार और लिख दो। चलो बहुत बढ़िया, गो अहेड का सिंबल आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा इसीलिए नहीं समझ में आया है तो आपको वो देखना होगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे हम लोग चल रहे हैं, तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेटा आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसे थोड़ा आराम से समझना बेटा, ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन सी चीज होती है, मैं आपको फिर भी कोशिश करूंगा कि एक बार में समझ में आ जाए, और बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, मैं इसके और भी आसान तरीके बता दूंगा, लेकिन चलो मेजर डिफरेंस मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ये दोनों पर ध्यान दीजिए जरा गौर फरमा के। मतलब एक आपसे क्या कह रहा है, एक आपसे ये कह रहा है कि सर ध्यान से सुनना, एक आपसे ये कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप ले रहे हो तो उसके एंगल की शुरुआत कहां से करना? जीरो से शुरू करना, यानी यहां से शुरू करना और पूरा खत्म करके यहां पर खत्म करना, यानी टू पाई पर खत्म करना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ले रहे हो तो उसकी शुरुआत जीरो से करोगे और टू पाई पर खत्म करोगे, तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। दूसरा हमसे क्या कह रहा है? दूसरा हमसे ये कह रहा है कि सर अब ना हम लोग जीरो से टू पाई तक नहीं शुरू करेंगे, हम लोग शुरू कहां से करेंगे?
हम लोग शुरू करेंगे यहां से बेटा, यहां से शुरू करेंगे यानी माइनस के पाई से शुरू करेंगे और पूरा घूमकर आके यहीं पर खत्म करेंगे, पाई पर खत्म करेंगे। यानी कि अभी सर जीरो से नेगेटिव में भी एंगल जा सकता है, ये कह रहा है सर सिर्फ पॉजिटिव में एंगल रहेगा। तो यहां पर हमने क्या कहा बेटा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और क्योंकि वो जीरो से बड़ा नंबर होगा। यहां सर एक्चुअली में अगर मान लो जीरो यहां पर आता है तो जीरो से लेस भी हो सकता है, जीरो से प्लस भी हो सकता है। इसका जो रेंज है बेटा वो माइनस के 180 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होगा यानी आर्गुमेंट, और इसका जो रेंज है बेटा वो जीरो से लेके आपका 360 डिग्री तक होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि ये व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड व्हाई इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको करवाना सिखाता हूं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना है ना, अब जरा ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं, आराम से बात करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट होता क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्ग्यूमेंट कहता है सर जब भी हम लोगों ने क्या किया होगा, ध्यान से सुनिए, ये मान लो मैंने एक एर्गन प्लेन बनाया, ठीक है जी सर जी, एक एर्गन प्लेन बनाया। अब ये कह रहा है कि सर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी ले लें। हाँ एक काम करो सर, इसे ए मान लेते हैं, इसे आयोटा बी मान लेते हैं, ठीक है, इसे आयोटा बी मान लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा मालिक, ऐसे में ये होगा कि सर एक नंबर यहां से ऐसे करके जाएगा, एक नंबर ऐसे करके जाएगा, तो ये जो नंबर है सर ये यहां पर इस तरीके से प्लॉट होगा, है ना। दिस नंबर विल बी जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये नंबर हम लोगों ने मान लिया, ठीक है सर। अच्छा अब ये कह रहा है कि सर अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, इधर देखिए बेटा ओरिजिन से लेके अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं ये वाले नंबर को, तो ये क्या होता है सर, ये तो सबको मालूम है कि दिस इज मॉड जेड, है ना, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया है उसकी लंबाई है सर मॉड जेड। हाँ अब इसे हमेशा याद रखना बेटा, हमने कहा सर एक्स एक्सिस में से जब भी आप एंगल बनाओगे, इधर देखो बेटा ये एंगल जो बनाओगे वो एंगल क्या हो सकता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, दैट इज थीटा। इस थीटा को अगर आप ढूंढना चाहते हो तो दैट इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब पॉसिबिलिटी ऐसे है कि सर मान लो अगर कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा यहां कहीं आ रहा हो, जरा ध्यान से समझना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहां आ रहा हो बेटा, इधर आ रहा हो ऐसे करके, और तब आप इसे ऐसे करके इससे ज्वाइन कर देते हो, तब आप क्या देखोगे, तब आप ये देखोगे कि सर ऐसे करके ये ओरिजिन से ये वाला एंगल कितने का है बेटा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ नंबर। यहां से लेके यहां तक का जो एंगल तुम्हारे पास बन रहा होगा दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें आर्ग्यूमेंट यानी अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ढूंढना है, इस बात को समझना, अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला थीटा ढूंढना है तो सर ध्यान से सुनना, ये थीटा आप कैसे ढूंढोगे, आप कहोगे सर मुझे तो इतना पता है ये वाली लंबाई जो होती है ये हमारे पास क्या होती है सर जी, मॉड ए लंबाई होती है, ठीक है, ये मॉड ए लंबाई होती है, और ये कितनी लंबाई होती है, मॉड बी लंबाई होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होती तो लेंथ की बात नहीं करते हैं, मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं सीधे सीधे अभी लंबाई देखूं, मैं क्वाड्रेंट का खेल प्लस माइनस का खेल बाद में खेल लूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये वाली ऊंचाई सर बी लेंथ की है, ये वाली लंबाई बेटा ए लेंथ की है, तो क्या आप यहां पर ये वाली चीज कह सकते हो कि सर वी हैव टैन थीटा बराबर बी अपॉन में ए, ये बात बोल सकते हो हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, टैन थीटा बराबर बी अपॉन में, ठीक है, तो ओके ठीक है। फिर हम लोग यहां से कहते हैं कि सर अब अगर मुझे थीटा ढूंढना है तो दैट विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स में क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए हो जाएगा, ये दिस इज द थीटा, दिस इज द आर्ग्यूमेंट जो कि हम लोग ऐसे समझते हैं और बेहतरी से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये कहना चाहता है कि सर आर्ग्यूमेंट तो समझ में आ गया, ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास थीटा जो है वो जीरो से टू पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि सर जी वो थीटा जो है दैट इज प्री आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बन जाएगा। फिर दूसरे लेवल पे वो क्या कह रहा है, दूसरे लेवल पे ये कह रहा है कि सर अगर थीटा जो है वो मेरा माइनस के पाई से लेके पाई तक बिलोंग कर रहा है
तो हम लोग उस थीटा को क्या कहेंगे, दैट थीटा इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। सर जी समझ में नहीं आया, वो तो मुझे तुम्हें एग्जाम्पल से समझाना होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो सर एग्जाम्पल दे दो, अभी समझाते हैं बेटा, है ना, अभी समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, ये ऐसे समझना है। चलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे टाइम लगेगा इसके ऊपर। चार अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले रहे हैं लीजिए बेटा। मेरा पहला एग्जाम्पल है z बराबर कितना, z बराबर 1+√3 आयोटा, मैं ये ले लेता हूं। मेरा दूसरा एग्जाम्पल है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट का, दैट इज z बराबर -k 1+√3 आयोटा ले लेता हूं, चलेगा सर जी। मेरा तीसरा एग्जाम्पल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ले लेते हैं, z बराबर -k 1 -k√3 आयोटा ले लेते हैं। और मेरा चौथा एग्जाम्पल फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, दैट इज जेड बराबर 1 -k√3 आयोटा। ये सब आपको समझ में आ रहा है कि सर ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपने एक हिसाब से लिए हैं, दैट इज दिस इज बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज बिलोंगिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज बिलोंगिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज बिलोंगिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना बेटा। हाँ जी सर जी ठीक है। अच्छा मेरी बात को समझना, ये कह रहा है कि सर 1+√3 आयोटा जो नंबर होगा वो कहां पर आएगा, ये तो तुम लोग बता ही सकते हो ना कहां पर आएगा। सर जी अभी बताते हैं, ये देखो कहां पर आएगा, 1+√3 आयोटा बेटा, 1+√3 आयोटा ऐसा नंबर होगा। अच्छा यहाँ -1+√3 आयोटा ऐसा नंबर होगा, सर -1 -√3 आयोटा ऐसा नंबर होगा और 1 -√3 आयोटा बेटा ऐसा नंबर होगा, है ना, 1 -√3 आयोटा। सिमिलरली बेटा ये भी यहीं पर ऐसे ही नंबर दिखेगा, ये वाला ऐसा ही दिखेगा, ये वाला ऐसा ही दिखेगा और ये वाला ऐसा ही दिखेगा। यस सभी को सेम सेम सा ही दिखेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन जब आप इसे समझने की कोशिश करोगे, है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि सर इसका अगर मैं थीटा ढूंढने की बात करूं, आराम से सुनिएगा, सर ये जो थीटा होगा ये थीटा कितना होगा, ये थीटा हमारे पास कितना होगा, सर इधर से मैं क्या निकालूंगा, थीटा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स में, ध्यान से सुनिए, टैन इनवर्स में बी अपॉन में ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया सर, 60 डिग्री आया, जिसे मैं पाई अपॉन में 3 लिख सकता हूं। तो मुझे पता चला सर ये मेरे पास पाई अपॉन में 3 है। अच्छा यहां पर जो एंगल आया सर ये भी कितना है, सर जी ये भी पाई अपॉन में 3 है। अच्छा ठीक है ओके। यहां देखिए बेटा ये एंगल, अब ये ना 90 से बड़ा एंगल है, क्यों, क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए जब मैं यहां पर थीटा ढूंढूंगा तो आपके पास टैन इनवर्स में क्या आ जाएगा सर जी, √3 अपॉन में -k 1 आ जाएगा। और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो आप बोलोगे सर ये एंगल पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। सो यहां थीटा कितना आया सर, 2π/3 आया। ये समझ में आया, है ना, ये समझ में आया सबको, जल्दी बताइए। जल्दी ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान देना। लेकिन ये वाला एंगल भी कितना होगा सर, ये वाला एंगल भी इतना ही होगा, दैट इज थीटा बराबर 2π/3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो ये कि बेटा यहां पर अगर तुम थीटा ढूंढोगे तो इस बार क्या हो जाएगा सर, टैन इनवर्स में -k√3 अपॉन में -k 1 होगा। तो सर देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है बेटा वो पाई प्लस पाई बाई 3 के फॉर्मेट में होता है, यानी हमारा आंसर 4π/3 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जीरो से शुरू किया तो ये एंगल है ना, ध्यान से सुनना बेटा, फिर से बोल रहा हूं सर, जीरो से शुरू किया तो ये जो एंगल आपने बनाया है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 4π/3 हो जाएगा। बट नाउ देर इज अ प्रॉब्लम सर जी। प्रॉब्लम क्या है सर जी, प्रॉब्लम यह है कि मुझे अभी जीरो से शुरू करना, ऐसे करके गया तो सर यहां पर मैंने अभी तक डिफरेंस क्या रखा है वो मैंने शायद लिखा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा यहां पर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मैं पी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल रहा हूं, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए होता है, बार बार मैं बोलूंगा और जब तक क्लियर ना हो तब तक मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन तो दूंगा बेटा, ऐसा नहीं है ठीक है। और यहां से पी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया कि हम लोग पी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं। चलो सर देखो, आपने हमें एक बात सीधी सीधी बताई थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो सर 0 से 360 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन पी आर्ग्यूमेंट में बेटा अगर मैं ऐसे करके एंगल निकालता हूं ऐसे करके, तो अब ये जो एंगल है ये 180 से बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, 180 से वो बड़ा हो जाएगा। तो सर 180 से बड़ा करना तो अलाउड ही नहीं है, 180 डिग्री से बड़ा क्यों ले रहे हो सर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 180 से बड़ा करना मना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं सर जब हम लोग सीधे पॉजिटिव डायरेक्शन में 180 से ऊपर जा नहीं सकते तो एक काम करते हैं सर नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव डायरेक्शन में इस एंगल को कैलकुलेट करोगे तो बेटा जैसे ही ये माइनस के 2π/3 हो जाएगा, यानी माइनस के 120 डिग्री हो जाएगा। सो अब यहां पर ये जो थीटा आ रहा है दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी इक्वल टू माइनस के 2π/3, समझ में आया। बढ़िया, डन। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब आगे देखो सर, यहां अगर मैंने थीटा निकालने की कोशिश करी तो क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा सर जी, मेरा थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स में क्या हो जाएगा सर, माइनस के रूट थ्री अपॉन में 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 2π - π/3 हो जाएगा। 2π - π/3 इज नथिंग बट 7π/3 हो जाएगा, नहीं सर 3 × 6 = 5π/3 हो जाएगा, सही बात है 5π/3 आ गया। तो अभी यहां पे मैं 0 से लेके यहां तक अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये जो पूरा एंगल आपने ड्रॉ किया है बेटा ये एंगल कितने का हो जाएगा सर, नाउ थीटा विल बी इक्वल टू 5π/3 हो जाएगा। बट सर अभी यहां से आगे जाना तो अलाउड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहां से रिवर्स गियर मारेंगे और रिवर्स गियर मारने पर मेरे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा जो कि माइनस के पाई बाई थ्री होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये था कुछ बेसिक्स आप लोगों के आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर, थोड़ी देर और गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज लॉगरिदम के जैसी जैसी सी दिखेगी लेकिन थोड़ा अलग ही है, लॉगरिदम मत मानना भी इसको, ठीक है, अलग ही मानकर चलना। और ये वाली थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड जो है वो पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट जेड जो होता है वो माइनस आर्ग्यूमेंट जेड के बराबर होता है। बाकी हम लोग देख लेंगे ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन रहेंगे, राइट। चलो बढ़िया, हाँ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए चेंज करना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त, यहां से क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है ये देखो बेटा, यहां पर कह रहा है कि सर जेड हमारे पास 1 + i√3 है अपॉन में 1 - i√3 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बता दीजिए। हमने कहा कि सर ऐसा है कि जो हमें जेड दिया गया है ना दैट इज कितना 1 + i√3 / 1 - i√3 ये दिया गया है। अब देखो इसे करने का एक और बेहतर तरीका है, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी में आ जाता है। मैं आपको अभी कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी वाला सॉल्यूशन भी दे दूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कब आएगा, जब वो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी आज के सेशन में मैं पढ़ा दूंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, ये जो हमें दिया गया है, पहले अगर मैं इसको एक मेथड से करूं, फर्स्ट मेथड बेटा ध्यान से देखना, फर्स्ट मेथड अगर मैं करूं तो आप इसे किस में वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे सर, 1 * 1 हो जाएगा, √3 × √3 = 3 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 - k 3, ठीक है, प्लस बेटा आयोटा टाइम्स ऑफ सर √3 - √3 यानी +√3, तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 / बेटा 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये बन गया -k 1/2 प्लस बेटा √3/2 आयोटा बन गया। एवरीबॉडी क्लियर? अब तुम इसे देखते ही समझ पा रहे होगे कि सर ये एक सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो तुम्हें नहीं लगता है कि सर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये एंगल मेरा थर्ड क्वाड्रेंट का है तो ये आंसर नहीं हो सकता, सर ये एंगल जो है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो अब पॉसिबिलिटी इन दोनों में बचती है, ये दोनों के दोनों सर सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल है, तो अब बताइए कैसे होगा। तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे, इसके लिए आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, थीटा की वैल्यू हो जाएगी सर टैन इनवर्स में बी अपॉन में ए, बी कितना है सर जी, बी है हमारे पास √3/2 / -k 1/2
तो सब निकाल करके आ गया सर टैन इनवर्स में माइनस के रूट थ्री आ गया, यानी सर ये एंगल जो है वो पाई माइनस पाई बाई थ्री होना चाहिए, सो दैट विल बी इक्वल टू टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। सो हमारा सही जवाब कौन सा हो गया दोस्त, हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, एक तो ये हुआ। सर इसका कोई छोटा सोल्यूशन भी है? डेफिनेटली इसका एक छोटा सोल्यूशन भी है सर, वो बताइए ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, उसके लिए आपको थोड़ा सा दूर का सोचना है। सर जी सोच लेंगे, चलो सेकेंड मेथड देखिए बेटा। सेकेंड मेथड के हिसाब से अगर मैंने z को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। कैसे मैंने मॉडिफाई कर दिया कि देखो बेटा यहां पर 1 प्लस रूट थ्री आयोटा दिया हुआ है, अच्छा, और यहां पे 1 माइनस के रूट थ्री आयोटा दिया हुआ है। तो मैं इनको मॉडिफाई कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिए। सर पहले तो मुझे इसे डिवाइड करने का मन है दोनों सेम नंबर से, और क्या करने का मन है, माइनस करने का मन है। दिस इज माइनस, इसमें भी एक माइनस लगा दिया तो खत्म हो गया। और क्या करने का मन है सर, टू से डिवाइड और टू से डिवाइड करने का मन है। तो ऐसा जब तुम करोगे बेटा, है ना, ऐसा जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास अगले ही स्टेप में बेटा ये बन जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सॉल्यूशन है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। अच्छा ये तो सोचा ही नहीं, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा तो आपके पास ओमेगा आया, यानी जो हमारा जेड है वो सर सिंप्लीफाई होकर ओमेगा आया है। अगर किसी को मालूम है तो ये वो पहचान भी गया होगा कि सर ये कौन सा नंबर है, सर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पहला रूट है, दैट इज ओमेगा। तो हमें ऐसे समझ में आ गया सर z बराबर कितना आ रहा है, z बराबर सर हमारे पास ओमेगा आ रहा है, ये भी समझ में आ गया। और फिर उसके बाद तुम लोग जब मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो अब आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना होता है, सर जी टू पाई बाई थ्री होता है, आप ऐसे भी डायरेक्टली इसको कर सकते थे। तो ये भी बढ़िया लगा सबको, मजा आया। ठीक है, तो जिनको अभी ये टू का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए शांत रहे, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड बेटा देखो ऐसा है, मेरी बात को समझना इसको, ठीक है। हम लोग ये कह रहे हैं एम्पलीट्यूड जो होता है, दिस इज ध्यान से सुनिए, एम्पलीट्यूड जो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज नथिंग बट टू एन पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसको लिख लो, ठीक है। यानी अगर कोई आपको ये कहता है कि सर हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है, सपोज अगर कोई ये कहता है कि सर अगर मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो मेरे पास 4 पाई बाई थ्री है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बाबू, एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 2n पाई प्लस 4 पाई बाई थ्री हो जाएगा, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। ठीक है, कोई परेशानी, बढ़िया, डन डन डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अब देखो बेटा हम लोगों ने ये तो सीखा ही था, मान लिया जो z हमें दिया गया वो z हमें 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा दिया है, सर जी इसको तो हम लोग 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली लिखवाया था। सर देखकर पता लग रहा है कि ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का नंबर है, फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा तो इसे देखो बेटा ये माइनस के 3 पाई बाई 4 है, यानी माइनस के 135 डिग्री किधर आएगा सर जी, माइनस के 135 डिग्री यहां आएगा, सो ये आंसर नहीं है। सर ये माइनस के 45 डिग्री है, माइनस के 45 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा, सर ये वाला आंसर हो सकता है। ये देखो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, सर जी ये वाला आंसर नहीं होगा। ये देखो बेटा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी यहां से अगर तुम सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री ढूंढोगे तो सर ये वाला आंसर आए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया, डन डन डन। बढ़िया डन, बी फॉर बूथ, बढ़िया, चलो आगे चलते। ऐसे खत्म होते हैं, हाँ बेटा ऐसे ही खत्म होते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आ रही है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत अच्छे से फील करना है।
कॉन्जुगेट जो है बेटा ये एक्चुअली में क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में क्या बोलेंगे सर, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ जेड, ऑफ जेड अबाउट वाई, अबाउट सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो एक्स एक्सिस में अगर तुम एक मिरर बिठा दो बेटा, एक्स एक्सिस में अगर तुम एक शीशा लगा दो, तो शीशे में जहां पर आपके पास इमेज बनेगी वहीं पर आपका जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो सर, अगर आपने ये वाला जो पॉइंट है ये आपने जेड लिया है, तो ठीक इसका मिरर इमेज जो है वो यहां बनेगा, तो ये हमारा जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। हाँ बेटा, ये जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसमें कमाल की चीज ये होती है बेटा, जेड अगर आप लोगों ने ए प्लस आयोटा बी लिया है, तो आप देखोगे सर इसका रियल पार्ट तो वही रहता है जहां ए था, है ना, रियल पार्ट तो वही रहता है, बट ये पहले आयोटा भी अगर ऊपर जा रहा था तो इसका मिरर इमेज नीचे जाना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है बेटा, सिर्फ आयोटा वाला यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका प्लस से माइनस बन जाता है या फिर माइनस से प्लस बन जाता है। तो बस इतनी सी चीज है। तो क्या ये सबको समझ में आ गया, व्हाट इज जेड कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अबाउट द एक्स एक्सिस। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलो आगे ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना। अब इसके बाद वो हमसे कह रहा है कि सर व्हाट इज जेड इनवर्स, जेड इनवर्स यानी रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल जो बेटा, उसके लिए दो दो फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है। इसके हिसाब से मुझे एक बात बताओ, समझना इस चीज को, सपोज ऐसे ऐसे समझना, मैं बाद में इसे डिलीट कर दूंगा। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, अगर ये 3 है और ये 4 आयोटा है, तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा। हाँ, इसका जो थीटा होगा बेटा, ध्यान से सुनना, इसका जो थीटा होगा सर, वही वाला थीटा अगर मैं 6 प्लस 8 आयोटा का एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता हूं, तो इसका भी वही थीटा होगा कि नहीं होगा बेटा? तो हम लोगों को ये समझ में आया कि सर अगर मान लो मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालता हूं, तो वही बेटा उस आर्ग्यूमेंट जो भी z में आपने कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया हो सर, उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है? है ना? तो अब अगर मैं तुमसे ये कहूं, इसको समझने के बाद अब अगर मैं ये कहूं कि सर जी z इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या है सर, z कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस z का स्क्वायर है, आपको ये बात समझ में आती है कि सर मॉडुलस z का स्क्वायर जो है सर, ये कोई लैम्डा का काम कर रहा होगा, है ना, लैम्डा का काम कर रहा होगा, ये बात समझ में आती है? हाँ सर जी आती है। तो इसका मतलब सर आप ये भी समझा ही दोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इनवर्स की जब मैं बात करूंगा बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इनवर्स की बात करूंगा, तो सर वो एक्चुअली में किसके बराबर होगा सर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो जब ये चीज समझ में आ गई सर हमें बाबू, ये चीज जब हमें समझ में आ गई, तो हमने कहा कि सर अगर मेरा z कॉन्जुगेट जो है वो यहां पर आ रहा है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट है बेटा, इसे ऐसे देख लो, मैं नेगेटिव में लेके जा रहा हूं बट उतना लोड मत लो, है ना। ये अगर मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट है, तो सर इसका मतलब जो z का इनवर्स होगा ना, वो भी इसी आर्ग्यूमेंट के साथ होगा। बस फर्क पता है क्या होगा, फर्क ये होगा कि अगर तुम यहां से लेके यहां तक को मॉडुलस z कहते हो, सपोज करो अगर इसकी लेंथ दोगुनी है तो इसकी लेंथ भी दोगुनी होगी, अगर ये तीन गुनी है तो ये तीन होगा, अगर ये चार है तो ये भी चार होगा। तो ये कह रहा है कि सर सबसे पहली चीज, यहां पर मॉडुलस के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर वन अपॉन में z का जो मॉडुलस होगा वो वन अपॉन में मॉड z के बराबर होगा। अब अगर बेटा मान लो इसकी वैल्यू 3 है,
तो आप इसे तीन बराबर हिस्सों में बांटोगे, ठीक है, समझना इसको। तो हमारा जो जेड इनवर्स होगा वो बेटा इतना बड़ा नंबर होगा, कितना, सिर्फ इतना नंबर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। इधर देखो बेटा, अगर मैं इसकी लंबाई को चार ले लेता हूं तो आप इसे चार बराबर हिस्सों में बांटोगे तो अब आपका जेड इनवर्स इतना लंबा हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू आपको दो दी गई है तो आप इसे दो बराबर हिस्सों में बांटोगे और बोलोगे कि सर अब मेरा जो जेड इनवर्स होगा वो इतना लंबा हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर इसकी वैल्यू बेटा छह दी गई है तो एक दो तीन चार पांच छह, छह बराबर हिस्सों में बांटा तो अब मेरा जेड इनवर्स सिर्फ इतना बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आएगा तो वो जेड कॉन्जुगेट के ऊपर ही, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होगी, सर जेड के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है ना। तो बेसिक बात मैंने तुम्हें समझा दी है, यानी जेड इनवर्स आएगा सर जेड कॉन्जुगेट के ऊपर, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होगी दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मॉड जेड। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, सारी सारी की सारी। हाँ बेटा, सारी की सारी। कि जेड कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट करोगे, डबल कॉन्जुगेट करोगे तो वापस जेड बन जाएगा। सर मॉड जेड की लंबाई और जेड की लंबाई बराबर होती है। ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास मॉड जेड बराबर जेड है तो इसका मतलब वो जेड जो है वो प्योरली रियल नंबर है, क्योंकि सर चेंज ही नहीं आ रहा है। अगर मॉड जेड बराबर माइनस जेड है तो इसका मतलब जेड जो है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ये कुछ रिजल्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट। और ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जेड और जेड कॉन्जुगेट आप इसे बनाकर देख सकते हो बाबू कैसे। आपको कि सर z को अगर मैंने x प्लस आयोटा वाई मान लिया, ठीक है, तो z कॉन्जुगेट मेरा x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। इसको जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो ये बन जाएगा बेटा x का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर बन जाएगा। अब x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर बेटा प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। एंड यू विल सी दैट कि सर देखो ये मॉडुलस z के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट बेटा, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बेटा। ये वाली प्रॉपर्टीज आप दोनों याद रखेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जी। ठीक है, चलो अगला अगला देखते हैं। नेक्स्ट सर, ये भी समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर जेड जेड नॉट बराबर जेड प्लस जेड नॉट का मॉड के बराबर है, जहां जेड बराबर इतना है, देन द लोकस ऑफ जेड इज द पेयर ऑफ, इसमें से क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। दो बेटा, यहां पर जो चीज लिखी गई है वो ये लिखी गई है, जेड ऑफ जेड नॉट, ठीक है, बराबर मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड नॉट हो जाएगा। देखो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आपसे पूछ ली है। इसने कहा सर जेड जेड नॉट कितना होता है, सर ये होता है मॉडुलस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, z प्लस z नॉट कितना होता है, सर जी z प्लस z नॉट यानी कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो z प्लस z नॉट इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ओके, तो हम लोग यहां से ये कहेंगे ना कि सर इसका मतलब ये मॉडुलस ऑफ ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z की बात कर रहा है। हाँ सर जी, अब मॉड z का स्क्वायर, अगर मेरे पास x z बराबर x प्लस आइटा वाई है तो आप यहां से कहोगे सर इसका मतलब ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स है, तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स आ जाएगा, वो भी मॉडुलस एक्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स तो सर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। इन दैट सेंस आप कहोगे सर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो है, अब अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो सर प्लस का टू एक्स लेना पड़ेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो है बेटा आपको माइनस के टू एक्स लेना पड़ेगा फॉर एक्स लेस देन जीरो। जिनको ये इक्वेशन पहचान में आती है वो तुरंत बता देंगे कि सर ये सर्कल की इक्वेशन है और ये भी सर सर्कल की ही इक्वेशन है, ये दोनों के दोनों किसकी इक्वेशन है, सर सर्कल की इक्वेशन है। तो ये दो अलग अलग सर्कल बनाकर दे रहे हैं, सो पेयर ऑफ सर्कल्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर यदि 2 माइनस आयोटा रूट 3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। मैं इस क्वेश्चन को पता है कैसे करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को करता हूं कि सर
मान लिया x बराबर जो है वो 2 माइनस आइटा रूट 3, अगर मेरा एक रूट है तो इस सामान को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा x माइनस 2 बराबर यहां पर आ जाएगा माइनस के आयोटा रूट 3 आ जाएगा। अब इसके साथ करो एक छोटी सी छेड़ा खानी कि सर इधर से भी स्क्वायर कर दो और इधर से भी स्क्वायर कर दो, आपका काम देखो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। x माइनस 2 का स्क्वायर विल बी x का स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, और यहां कितना आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस के 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा। इसको इधर ले आइए बेटा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 7 बराबर 0 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको कंपेयर करने के लिए दिया है तो आप यहां पर देखोगे कि सर x का कोफिशियंट a है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास b है, तो यू विल सी दैट x का कोफिशियंट माइनस 4 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 7 है, तो e क्या हुआ, a हुआ माइनस के 4, b हुआ हमारे पास 7, a प्लस b पूछ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3। सो ऑप्शन कौन सा सही है, सर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। क्लियर है, बढ़िया, डन डन डन। नहीं बेटा अभी कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, अभी कॉन्सेप्ट्स काफी बाकी हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अब इसके बाद हमसे कैसा क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर z बराबर x प्लस आयटा वाई है वेर आयटा बराबर अंडर द रूट माइनस 1 देन व्हाट डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट। अच्छा जी आइए देखिए बेटा, यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे तो zz नॉट आपको क्या दिखाएगा, सर zz नॉट आपको दिखाएगा मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। ये भी बेटा प्लस के मॉड z का ही स्क्वायर लिखा हुआ है, जी सर जी। प्लस 4 प्लस z प्लस z नॉट, बेटा आपको याद है ना यहां पर क्या आता था सर, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा इसकी जगह पे, अरे हाँ सर बाई प्रॉपर्टी आ गया, और माइनस के 48 दिया गया, दैट इज इक्वल टू 0, जी सर जी। अब मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर, बेटा मॉड z स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा 2 गुना। सर यहां पर आ गया प्लस के 8 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ z इज x हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इज x हो जाएगा, और माइनस के 48 बराबर 0 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 24 बराबर 0 हो जाएगा। इसे देखते ही आपके मन में उबलते हुए अंडे नाच रहे होंगे कि सर आंसर हमारा क्या है, सर्कल बन रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। बढ़िया, डन डन डन। ठीक है चलो अगला, नेक्स्ट। अब हम लोग आ रहे हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बेटा इसे ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कितना लिखा हुआ है बेटा, आपके पास लिखा हुआ है 3 प्लस के 4 आयोटा, आपको इसका अंडर द रूट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 3 प्लस के 4 आयोटा इसका रूट चाहिए। तो आप यहां पर देखो, इसको डायरेक्टली लगाना सीखना बेटा कि ए की जगह पे 3 रखा है और बी की जगह पे सर 4 रखा है, ए की जगह पे 3 रखा है, बी की जगह पे 4 रखा है। सो यू विल से दैट कि सर इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सर 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का इसने बोला रूट निकाल दो, तो 5 के स्क्वायर का रूट सर 5 हो जाएगा, और प्लस ए, ए कितना हो जाएगा बेटा प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ गया, अरे वाह, ठीक है। प्लस प्लस बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर सर यहां पर प्लस लिखा है बाबू, ध्यान से सुनना, अगर यहां पर प्लस लिखा है तो यहां प्लस लगाओगे, और अगर यहां माइनस लिखा है तो यहां पर माइनस लगाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो हमने कहा सर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, फिर से अंडर रूट आ जाएगा। अब तुम्हें कैलकुलेट मत करो, यही दोनों नंबर जो तुमने प्लस करे हैं इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो और आयोटा लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 और 3 8, 8 बटे 2 4, 4 का रूट बेटा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 कटा तो बेटा 2 प्लस आइटा आ जाएगा। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आइटा। क्लियर है, बढ़िया, डन डन डन। ठीक है एक और क्वेश्चन लगा दें, एक और क्वेश्चन लगा दें, 7 24 25 का लगा देते हैं। ये देखो क्या कर देते हैं सर, 7 24 25 में से मैं थोड़ा आइडिया लगा रहा हूं बस,
सपोज करो मैंने यहां पर 24 माइनस 7 लिख दिया, कितना लिख दिया 24 माइनस के 7 आयटा लिख दिया, मुझे इसका अंडर द रूट चाहिए। तो जब तुम इसका अंडर रूट निकालोगे बेटा 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर मिलाकर बेटा 625 हो जाता है, जिसका रूट आप निकालोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 में एक बार 24 को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, अंडर रूट निकाल देना, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर अंडर द रूट में बेटा 25 में यही 24 को घटाकर बेटा डिवाइडेड बाई 2 कर देना और आयटा लगा देना, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो सर ये हो गया 49, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन में रूट 2 माइनस बेटा 1 अपॉन में रूट 2 आयटा आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, हाँ या नहीं? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, बढ़िया, मस्त, सही है, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो, अब तुम्हारा मन है तो तुम इसको ऐसे याद रख लो, या तो तुम इसको याद रख लो, या तो तुम क्या करो बेटा, या तो तुम इसको ऐसे करके बना लो अगर तुम्हें इस टाइम पे याद नहीं आ रहा हो। कैसे सर जी? मैं यहां पर जो फॉर्मूला ले रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ये है अंडर द रूट में 0 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 1, 1 में एक बार 0 जोड़कर सर डिवाइडेड बाई 2 करके अंडर रूट लगा दूंगा, प्लस एक बार सर 1 में 0 को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 करके आयोटा लगा दूंगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 1 बाई रूट 2 आयोटा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 आयोटा हो जाएगा। क्या ये तुरंत बन गया 1 प्लस आयोटा अपॉन में रूट 2? एवरीबॉडी क्लियर कि ये सर रट्टा नहीं मारा है, एक्चुअली में निकाला भी गया है इसी तरीके से, ठीक है। हाँ, प्लस और माइनस दोनों होगा, वो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, वो कॉमन सेंस वाली बात है, समझ आ गया? जल्दी बताओ भाई, ठीक है, चले आगे। चलो, बात यहां तक समझ में आ गई है, तो आप इसको लगाकर देख सकते हो, प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, तो किसी भी स्क्वायर रूट को आप ऐसे तुरंत से पहले निकाल सकते हो। चलिए, अब बात आती है सर, हम लोग यहां पर बात करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यूज, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस 1। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपको दोनों का चाहिए, तो मैंने कहा सर 12 के लिए अगर मैं यहां पर निकालने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिए बेटा, हमने कहा सर 12 प्लस 5 आयोटा मुझे दे रखा है और इसका अंडर रूट अगर मैं निकालना चाहता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बेटा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 13 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इसका अंडर रूट, प्लस बीच में प्लस का साइन है, तो यहां आ जाएगा बेटा 13 माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 2 का आयोटा आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा 5 अपॉन में रूट 2, क्या आ रहा है सर जी 5 अपॉन में रूट 2 प्लस 5 नहीं सर 1 अपॉन में रूट 2 आयोटा आ जाएगा। सो लॉजिकली सर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आपने कहा सर ये 5 अपॉन में रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन में रूट 2 आ रहा है, और मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो सर क्या होगा, इसके बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो सर एक्चुअली में ये भी 5 अपॉन में रूट 2 माइनस के आयोटा अपॉन में रूट 2 हो जाएगा, यस। तो ऐसे में आप कहोगे सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई, कट गई, तो कट गई, तो हमारे पास कितना आया सर 2 टाइम्स ऑफ 5 अपॉन में रूट 2 आ गया, बेटा रूट 2 से रूट 2 काटोगे तो 5 रूट 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है? बढ़िया, डन। चलो शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत लोग तो डम टूट जाते हैं, दो दो घंटे में ये तो फेल हो जाते हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे और सीमा में हम लोग रक्षा करेंगे। अबे भाई तुम्हें रक्षा की जरूरत है, तुमसे दो घंटा नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तुमसे दो घंटा नहीं पढ़ा जा रहा है, तुम्हें रक्षा की जरूरत है, ये रक्षा करेंगे, ढीले पड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे ढीले पड़ते जा रहे हैं, ये बनेंगे रक्षक। चलो बढ़िया बेटा, थोड़ा ऐसे कैसे होगा, बढ़िया है, तुम्हारा तो कंपटीशन निपट रहा है बेटा, ये कुछ नमूने आते जाते रहते हैं, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा तो कंपटीशन निपट रहा है, ठीक है। चलो,
ओके अभी हम बात कर रहे हैं सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब बेटा देखो ये तुम्हें लिखा क्या हुआ है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये तो सर आयोटा लिखा हुआ है लेकिन बाहर से एक माइनस का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपसे माइनस आयोटा का क्या मांग रहा है, स्क्वायर रूट मांग रहा है। अब तुम्हें अगर याद है माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट कितना था, सर जी ये वन प्लस आयोटा अपॉन में रूट टू था, याद है ना। तो अगर तुम्हें ये याद है तो तुरंत से पहले आप लोग आंसर दे सकते हो। सो ऑप्शन नंबर कुछ गलत कर दिया सर, माइनस आएगा माइनस आएगा ना कंफर्म, हाँ माइनस आएगा बेटा, वो तो सीधी सी बात है सर, माइनस आना है, क्या आएगा माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन था ना सर। ओके तो वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई रूट टू हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। ठीक है अंशिका गिरी, रूट आयोटा की वैल्यू तुम्हें मालूम है, अंडर द रूट माइनस वन तुम्हें पता है आयोटा होता है, कैलकुलेट कर लो ना बेटा, अब तो कैलकुलेट कर लो। हाँ बेटा देवेंद्र मॉक टेस्ट लगाओ क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता रहेगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको भूल जा रहे हो तो आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है मॉक टेस्ट लगाना देवेंद्र, ठीक है बेटा। चलो अगला, इसके बाद सवाल देखो सर, इसके बाद सवाल क्या है ये वाला क्वेश्चन बेटा, इधर देखो। सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि सर जी यहां पर बीच में ना प्लस का साइन आ रहा है, अच्छा ये प्लस का साइन तभी आएगा बेटा जब हमारे पास एक्चुअली में बीच में माइनस का साइन नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आप इसे काट देना, ठीक है इसे काट देना। अब सीधी सी बात है सर, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इनमें से कोई एक आंसर होएगा। तो मैं इसे सीधे तरीके से जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सर अगर मैंने इसका स्क्वायर करके देख लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे पास है ही नहीं सर जी, है ही नहीं 4a स्क्वायर b स्क्वायर है ही नहीं, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4ab आयोटा, ऐसा हो जाएगा जी सर जी। तो ये आंसर नहीं है, इसको निकालोगे तो बेटा ये भी कुछ ऐसा 4a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ab आयोटा हो जाएगा, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो सर ये भी आंसर नहीं है सर, ये तो आपने वैसे ही कटवा दिया तो क्या यही आंसर है। हाँ बेटा अब तुम इसे स्क्वायर करके देखना चाहते हो, तुम स्क्वायर करके देख लो कैसे, आइए दिखाता हूं। जब तुम इसका करोगे स्क्वायर बेटा तो सबसे पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस आयोटा b, ठीक है सर जी a प्लस आयोटा b, और फिर जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो बेटा आयोटा b और आयोटा b तो पहले ही कट गए तो 2a आ गया हमारे पास जी सर जी। अब ये प्लस के क्या बन जाएगा, प्लस के ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट बेटा ये बना हुआ है हमारे पास a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाई a माइनस आयोटा b, बेटा ये z इंटू z कॉन्जुगेट है तो मॉड z का स्क्वायर आ जाएगा, तो कुल मिला के ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है सॉल्व कर लेना ये आंसर आ जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर, बेटा एक बात बताओ तुम्हारी आंखों में मोटा वाला चश्मा है क्या, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब अगर मैं जानबूझ के अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक ना लिखूं तो तुम्हारी आंखों में जो चश्मा लगा हुआ है मतलब मुझे ऐसे लिखना ही पड़ेगा, है ना, जैसे जैसे वो चीखने वाले जो टीचर होते हैं वो ऐसे करके लिखेंगे तब जाके मजा आएगा, है ना, तभी पता चलता है। तो हम भी चीख चीख कर बता देते हैं बेटा, निपट लिए बेटा, निपटो जल्दी से, जल्दी से निपटो, जल्दी से निपटो, ठीक है जल्दी से निपटो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, यहां पे शॉर्ट ट्रिक वाले चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं भाई, चाहिए ही नहीं मेरे को, निपटो जहां मिल रहे हैं वहां जाके देखो। ठीक है शॉर्ट ट्रिक बताया करो, आंखें खराब हो रखी है शॉर्ट ट्रिक बताया करो। मैं शॉर्ट ट्रिक, पता है मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट ट्रिक में एक्सप्लेन कर देता हूं तो बच्चों को लग रहा होता है अरे ये तो कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना है, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब यही क्या कर शॉर्ट ट्रिक चिल्ला चिल्ला के शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, बढ़िया ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, मैं भैया ये ऐसे आ जाता है, ऐसे करके आ जाता है, ऐसे करोगे वैसे करके आ जाएगा, तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक रहता नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक पढ़ाता नहीं हूं, यही मजेदार चीज है।
ठीक है, आओ, गुस्सा नहीं करना, लव यू, यू लव मी ना, यू नो हाउ आई टीच, मैं कैसे पढ़ाता हूं, तुम्हें पता है ना मेरा तरीका। ऐसा कौन सा प्यार है कि तुम्हें मेरे बारे में पता ही नहीं है? ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा एक तरफा प्यार है जो मैं ही करूं तुम्हें, तो मेरे बारे में कुछ मतलब मालूम ही नहीं है? ये ऐसा प्यार नहीं है बेटा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आ रहे हैं बेटा पोलार फॉर्म। एक घंटा मेरे पास है, पोलार फॉर्म हमें बात करनी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बात करनी है, ऑयलर फॉर्म बात करनी है। अब हम लोग स्पीड थोड़ी सी बढ़ा डालेंगे, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा डालेंगे। तो हमने कहा कि पोलार फॉर्म में सर हमें दो चीजें समझनी है। हम क्या करते हैं, हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, अब तक सर कैसे बताते थे, अब तक बताते थे कि सर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम से, कि यहां से ए यूनिट्स ले लो, यहां से बी यूनिट्स ले लो, तो ऐसे करके ए प्लस आयोटा बी यहां आ जाता था। लेकिन अब एक नए तरीके से बताएंगे, हम कहेंगे ये सर ए और बी नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस क्या है सर जी, इसको हम लोगों ने आर कह दिया। दिस डिस्टेंस इज रेडियल डिस्टेंस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेडियल डिस्टेंस। और ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो उस हिसाब से सर हमारे, अगर मैं इस आर और थीटा के हिसाब से जाऊं, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा आर कोसाइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये बेटा कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप जेड लिखोगे, ये क्या हो जाएगा सर जी, इसका रियल पार्ट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ आर साइन थीटा। हाँ या नहीं? अरे ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये हो गया हमारा पोलार फॉर्म। अब पोलार फॉर्म में हमने कहा कि सर ये जो आर है, अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो आर मेरा क्या है बेटा, मॉड जेड है, और थीटा कौन है सर, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। अरे हाँ सर, तो इसका मतलब हमारा पोलार फॉर्म जो बनेगा वो क्या बन जाएगा सर जी, आर को कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई ये, जल्दी से बताओ कोई सवाल पोलार फॉर्म में। हाँ बेटा निकल जा, यहां क्या कर रहे हो, ऐसे दूसरे की रैली में जाके किसी और पार्टी का ऐसे झंडा नहीं उठाते बेटा, बहुत मार पड़ेगी मैं नहीं करूं, ये यही मारेंगे फिर, बहुत मारेंगे। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, ओके ऐसे झंडा नहीं उठाते भाई, दूसरी 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 रैली में जाके दूसरी पार्टी का झंडा नहीं उठाते, गलत बात है ये, बहुत मार पड़ेगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत मार पड़ेगी चलो आओ इधर आओ। अब मैंने वही वाला एक गेम खेला कि सर मैंने अगेन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का नंबर मैंने सबका ले लिया, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट्स का एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये करने वाला हूं कि बेटा तुम्हें इसमें से मॉड जेड वन यानी आर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, मॉडुलस ऑफ जेड वन हो जाएगा, तो वो आपके पास दो आ जाएगा। सर यहां से आर की वैल्यू सर मॉडुलस ऑफ जेड टू हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा सर, दो हो जाएगा। यहां से आर की वैल्यू मॉडुलस जेड थ्री हो जाएगा सर, वो भी मेरे पास दो हो जाएगा। यहां से आर की वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड फोर हो जाएगा सर, यहां से भी हमारे पास दो आ जाएगा, सो दिस इज जेड फोर शायद, हाँ ठीक है। और यहां से अगर आप थीटा निकालने की बात करते हो सर जी, थीटा कितना हो जाएगा सर जी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वही आर्ग्यूमेंट आप लोगों को निकालने से कहा था रूट थ्री अपॉन में वन, तो ये हो जाएगा सर जी पाई अपॉन में थ्री हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना सर। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा सर, इसमें थीटा हो जाएगा पाई माइनस के पाई बाई थ्री हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। ये सर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री हो जाएगा, जी सर जी। और इसमें थीटा कितना हो जाएगा, इसमें सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा टू पाई माइनस के पाई बाई थ्री हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव पाई बाई थ्री हो जाएगा, राइट। तो हमने एंगल निकाल लिए।
सो अब कुल मिला के मुझे यहां पर पोलार फॉर्म लिखकर बताना है तो मेरा Z1 कैसे लिखा जाएगा सर? Z1 लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई कोसाइन पाई बाई 3। क्या लिखा जाएगा सर जी? कोसाइन पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये बन जाएगा। ठीक है, यहां पर Z2 कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सर R मल्टीप्लाई, R हमारे पास 2 है, यहां जाएगा कोसाइन का 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। यहां आ जाएगा बेटा Z3, Z3 बन जाएगा सर वही अगेन 2 मल्टीप्लाई कोसाइन के 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। ठीक है, और यहां आ जाएगा बेटा Z4 हमारे पास कैसे बन जाएगा? वही बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई कोसाइन 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। ठीक है, डन डन डन, बढ़िया, ये सबको समझ में आता है? निखिल बेटा मुझे इतना तो पता चल रहा है कि तुम्हारा बहुत कुछ होने वाला है, और क्या यार तुमसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में किसी से भी नहीं होगा। तो ये वो बच्चा है जो ये कहना चाहता है कि मुझसे नहीं हुआ तो बाकी सब भी निठल्ले हैं, बाकी सब भी एकदम क्या है कि दिमाग से एकदम पैदल हैं, 11 नंबर की बस से चलने वाले। ठीक है, तो वैसा वाला बच्चा है, तो आप लोग बेटा समझ जाओ और इनसे इनसे थोड़ा सा डर जाओ। तो ये बहुत बहुत ज्यादा निठल्ला बच्चा है, अब इससे थोड़ा डर जाओ। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो हैं ये बहुत डरावने होते हैं भाई, रात को डरावने सपने में आते हैं कि, और पता है डरावने सपने में क्या बोलते हैं? तुझसे नहीं होगा क्योंकि मुझसे भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वो वाला थोड़ा सा डरावना है, वो डर लगता है भाई रात को, तो इनको थोड़ा डरो और इनको नमस्कार करके कुछ मत बोलो। इसको इनको सबसे बढ़िया तरीका है इनसे इग्नोर करो। मैं भी कर रहा हूं आप भी करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग यहां से सर पोलार फॉर्म बनाना सीख चुके हैं, तो ये सर बेसिक लेवल की चीज थी। ऑयलर फॉर्म क्या होता है? ऑयलर फॉर्म, ठीक है, ऑयलर फॉर्म क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ऑयलर फॉर्म क्या होता है? ठीक, मतलब मैं क्लास में आता हूं भाई, कम से कम मैं 15 से 20 बच्चों को तो अपने चैट सेक्शन से पहले मैंने ब्लॉक किया है। ऑब्वियसली बात है मेरे पास ये ब्लॉक करने का सिस्टम नहीं होता है, मैं अपने चैट से ब्लॉक करता हूं। तो क्योंकि मुझे ना यहाँ पर पढ़ाने आया हूं भाई, मेरे को बहुत मन करता है कि मैं तुमसे खुल के वो चीज पढ़ाऊं जो मेरा मन करता है, लेकिन यहां पर आकर इतना 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 टॉक्सिक लेवल ये बना देते ना, इतना टॉक्सिक लेवल, और पूछो मत, इनको पढ़ने से मतलब ही नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ एक फ्री क्लास हो रही है। पहले तो ये हल्ला मचाएंगे सर फ्री क्लास लेकर आओ, फ्री क्लास लेकर आओ, फ्री क्लास लेकर आओ, फ्री क्लास लेकर आओ, और फिर जैसे ही मैं फ्री क्लास लेकर आऊंगा, सर जी आपको ये नहीं आता, आप ये नहीं बताते, आप वो नहीं करते, आपको ये नहीं आ रहा है। तो वैसा वाला हिसाब बेटा, तुम लोगों से जीतना तो मेरे बस की नहीं है, ये बात तो मुझे इस जीवन काल में समझ में आ गया। पता नहीं मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे से तो ना होने वाला तुम्हें सेटिस्फाई। तो मैं हो लिया मैं खुद सेटिस्फाई कि भैया मेरे को तो ऐसे ही पढ़ाने का, मेरे को तुमको ना पढ़ाने का। ठीक है ना? ठीक है, अविनाश बेटा ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आप जो चीज पूछ रहे हो वो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास है, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देखो, ठीक है, चलो बढ़िया आगे शुरू करते हैं। हाँ बेटा, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी थोड़ी देर मेरे को बात करने का भी मन करता, तो मैं आता हूं थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं तुम लोगों के, और फिर ऐसे में कोई नमूना बीच में आ जाता तो उस नमूने की थोड़ी तारीफ भी कर देता हूं, आरती उतार देता हूं ऐसे करके थोड़ी सी, है ना, बनता है ना बेटा इनकी। ठीक है, चलो बढ़िया, थोड़ी सी आरती बनती है इनकी, थोड़ी थोड़ी तो बनती है भाई, इतना तो ये डिजर्व करते हैं यार, ऐसे मत करो यार प्लीज, इतना तो ये डिजर्व करते हैं कि हाँ जर इसी आरती ना उतारे हम इनकी। चलो कोई बात नहीं, ओके, नाउ दिस इज ऑयलर फॉर्म। नाउ ऑयलर फॉर्म भी बेटा पोलार फॉर्म का ही एक दूसरा वर्जन है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, और ठीक है ध्यान से सुनना, ये पोलार फॉर्म का ही दूसरा एक फॉर्म है ऑयलर फॉर्म। ये पोलार फॉर्म से बेहतर क्यों पाया गया? ये बेटा ऑयलर ने एक रिजल्ट इसमें निकाला, वो ये कि उसने एक ऑयलर नंबर की इक्वालिटी देखी। ऑयलर नंबर की इक्वालिटी यानी उसने देखा कि e की पावर आयोटा थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा जो है वो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये वाली इक्वालिटी देखी।
तो फिर उसने पोलार फॉर्म के अंदर ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई पोलार फॉर्म के अंदर सेम उसका ऑयलर नंबर आता है, जो ऑयलर नंबर है वही आता है, तो उसने क्या किया उसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो ऑयलर नंबर बना बेटा, वो ऑयलर नंबर कैसा बन गया सर, आर बराबर ई की पावर आइटा थीटा बन गया, है ना, ई की पावर आइटा थीटा आपके सामने बनते हुए नजर आ रहा है जी। बढ़िया, तो कोई खास फर्क तो है नहीं, ठीक है। चलो बढ़िया, है ना, ये चीज आ गया सर। पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म दोनों करीब करीब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने ऑयलर नंबर का एक रिजल्ट का इस्तेमाल किया और ये cos theta plus theta sin theta को e की पावर theta theta से रिप्लेस कर दिया, दैट बिकम्स द पोलर ऑयलर फॉर्म। अब इसमें कुछ डी मर्विस थ्योरम है बेटा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है आप एक एक को एक्सपैंड करो और आपके पास मिल जाएगा, लेकिन इनमें से पहला दो जो है वो मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूं कि कैसे काम करता है। आइए फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। ये कह रहा है कि सर ऑयलर नंबर में मान लीजिए आपने क्या किया, कोसाइन थीटा लिखा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा, और आपने क्या किया इसमें आपने सपोज मैं इसे ऐसे लिखता हूं फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये कह रहा है कि सर अगर मैंने कोसाइन के पाई बाई थ्री लिया प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री लिया बेटा, है ना, ये अगर किया और इसकी पावर मैंने थ्री कर दिया, तो तुम्हें इसे कैलकुलेट करने में शायद काफी समय लगने वाला है। लगेगा क्या? हाँ सर जी, काफी समय लगेगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो कोसाइन पाई बाई थ्री हमारे पास कितना होता है सर जी, वन बाई टू होता है, प्लस ही हमारे पास आयोटा रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, इसकी पावर थ्री कैलकुलेट करोगे तो भी हमारे पास वन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो ओमेगा है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिन्हें मालूम है वो मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनको नहीं मालूम है, तो इसमें से ओमेगा क्यूब बराबर आपके पास वन आ जाएगा। चलो ऐसे नहीं करते हैं, आपको ये अगर नहीं मालूम है तो भी तुम इसे क्यूब रूट से खोलोगे, क्यूब के फॉर्मूले से खोलोगे, दैट इज वन बाई टू की पावर हो जाएगा थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन बाई टू का हो जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा आयोटा रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, ऐसे करोगे तो ये काफी लंबा नहीं हो रहा है। हाँ मैं कह रहा हूं कि बेटा इसमें सीधा तरीका ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास ये ऑयलर नंबर दिया गया है अंदर अंदर, अगर इसने मेरे को ऑयलर नंबर दिया है तो आपको क्या करना है, ये जो पावर है बेटा, ये जो पावर आपको दी गई है, ये पावर आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ योर नंबर विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो जाएगा कोसाइन थ्री पाई बाई थ्री हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाई थ्री हो जाएगा, और सर थ्री से थ्री अगर मैं काट देता हूं, थ्री से थ्री अगर मैं काट देता हूं तो आप मुझे क्या कहोगे बेटा, सर ये कोसाइन पाई हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सर साइन पाई बाई थ्री हो जाएगा, साइन पाई बाई थ्री कितना होता है सर, साइन पाई कितना होता है सर जीरो, और ये कितना हो जाता है सर कोसाइन पाई हो जाता है माइनस वन, यानी माइनस वन का यहाँ पर क्यूब नहीं नहीं सर, ओ यहाँ पे सिर्फ ये थ्री आएगा, है ना, पावर तो आपने दी थी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के वन बन जाएगा और प्लस जीरो आइटा बन जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है माइनस के वन। मैंने कुछ गलत किया? हाँ, वो माइनस के वन ही आएगा, मैंने पहली बार में गलत किया था, सो आंसर कितना आया माइनस के वन आया, सॉरी। ये अभी भी है क्या चैट सेक्शन में, ये अभी भी यही बैठा हुआ है, चले जाओ यार, घर जाओ, घर जाओ मुन्ना, घर जाओ, तुम चले जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम यहां आए हो किसी और मकसद से, ठीक है, तो तुम जाने दो और प्लीज मुझे भी पढ़ाने दो। बढ़िया लग रहा है, राइमिंग सी लाइन लग रही है, ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इस तरीके से काम कर रही है। आइए इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूं कि ये प्रॉपर्टी और कितनी कामगार हो सकती है आपके लिए, और कितनी कारगर हो सकती है, आराम से समझिए। यहां पर जैसे आपको दे दिया उसने z बराबर 1 प्लस आइटा दे दिया, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे सर z की पावर 20 कैलकुलेट करके दो, तो एक्चुअली में आप 1 प्लस आइटा की पावर 20 कैलकुलेट करने की बात कर रहे हो, हाँ है ना, यही कर रहे हो ना, ठीक है, यही बात हो रही है। तो अब इस बात को समझना कि ये 1 प्लस आयोटा को अगर मैं किसी तरीके से पोलार फॉर्म या ऑयलर फॉर्म में ले आता हूं, तो मेरा काम है ऑयलर फॉर्म में r और थीटा को पता करना, r और थीटा को पता करना। इधर देखिए सर जी, इसके हिसाब से अगर चलें तो r हमारा कितना हो जाएगा सर जी, हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का रूट अगर निकालोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, रूट टू हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा सर जी, थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स में 1 अपॉन में 1 हो जाएगा सर जी, इसमें से आ जाएगा पाई अपॉन में 4 आ जाएगा। इसका मतलब सर क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि अब जो z की पावर 20 है दिस इज नथिंग बट
क्या हो जाएगा सर, आर ई की पावर आयोटा थीटा की होल पावर बेटा 20 हो जाएगा। जी सर जी, अब ये 20 पावर चल रही है, चलने देते हैं सर, आर की वैल्यू रूट टू आई है, ई की पावर बेटा आयोटा कितना हो जाएगा बाबू, आयोटा पाई अपॉन में 4 हो जाएगा। जी सर जी, हिसाब से सर यहां पर आ जाएगा हमारे पास रूट टू की पावर 20 आ जाएगा, और इसे 20 करोगे तो ई की पावर आयोटा 5 पाई आ जाएगा। क्या यहां तक सबको समझ में आया, जल्दी से बताइए, कोई सवाल? ठीक है, अब देखो बेटा रूट टू की पावर 20 कितना हो जाएगा सर जी, अगर मैं 1/2 पावर करके काट देता हूं तो ये 2 की पावर 10 हो जाएगा, और सर ये e की पावर आयोटा 5 पाई है, इसे ऑयलर नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये बेटा क्या बन जाएगा, कोसाइन 5 पाई बन जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन 5 पाई बन जाएगा। सर साइन 5 पाई 0 होता है, कॉस 5 पाई माइनस के 1 होता है, तो ये 2 की पावर 10 जो है बेटा -1024 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा देखो पावर 20 आपका कितने आसानी से कैलकुलेट हो गया। तो ऐसी जगहों पर ऑयलर फॉर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला चलता है, ठीक है जी। मतलब अगर मैं इसे प्रॉपर 20 से पावर निकालने के लिए बोलूं तो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल सवाल हो जाएगा, लेकिन जब तुमने ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कैलकुलेट किया तो देखो कितना आसान हो गया, कितना स्पीड अप हो गया आंसर, हम लोग उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ठीक है जी। सो ऑयलर फॉर्म इज ऑल्सो क्लियर, इसका भी कहानी हमें समझ में आ गई। Now we are heading towards, sir, cube roots of unity. Now this is the last topic. और इस topic के बाद हम लोग फिर जितने भी questions है वो करेंगे और खत्म, है ना? Done, बढ़िया। पानी नहीं पिया ना अभी तक एक बार भी, हाँ बात करते हैं, चलो okay जी, बैठे बैठे पकौड़े खाने की आदत जो लग गई है, तो जरा से भी पकौड़े में हल्का सा नमक इधर उधर हो तो ये छूटते बेस्ती कर डालते हैं, ठीक है। हम भी चेयर पे बैठे हैं तो बस यही तो होता है आदान प्रदान की, मैं यहां पर लगा हुआ तुम लोग भी लगे हुए हो, अब तुम लोग धीरे धीरे चले जाओगे तो एक टाइम आएगा मैं भी चले जाऊंगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद करा दिए थे क्लास में, चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्लास में तो हो ही चुका है, अब नए बच्चों के लिए मैं इसे दोबारा से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब यहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रट्टा पढ़वा दो कि ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है वाला वाला वाला, रट्टा नहीं है, आराम से देखो समझो, क्योंकि एनडीए का जो मैथ्स होता है ना बेटा ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा रेस्पेक्ट देना शुरू कर दो, ठीक है, है ना, चलो बढ़िया, ठीक है। हाँ बेटा देख रहा हूं, ठीक है, चलो बढ़िया, देख रहा हूं बाबा जी। आइए अब यहां पर x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है, देन ये कह रहा है सर x वैल्यू 1 हो सकती है, ओमेगा हो सकती है, ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहां है, कैसे आया है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये कह रहा है कि सर अगर x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है तो इसका मतलब बच्चा जो होता है ना वो ऐसे कहता है कि सर 1 का क्यूब रूट निकाल दो, तो 1 का क्यूब रूट वो कहता है सर 1 ले लो। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, जब हम लोगों ने इमेजिनरी दुनिया खोली तो सर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं इसके, एक 1 तो है ही जो सबको समझ में आ रहा है कि सर 1 का क्यूब रूट 1 होगा, तो 1 तो है ही ये जो आप देख रहे हो, लेकिन हमारे पास 2 इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, तो वो इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। आप सभी को ये वाली आइडेंटिटी आती होगी, है ना, मुझे उम्मीद है कि सर ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, इधर देखिए दोबारा से, सो दिस इज ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस के बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जिसको नहीं आती है बेटा ओ शिम 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 वैसा, ठीक है, तो वैसा नहीं करना, आना चाहिए ये आइडेंटिटी। तो उसके हिसाब से सर अगर मैं आगे चलूंगा तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी सर, ये फैक्टराइज होकर हमारे पास बन जाएगा, इसका मतलब x माइनस के 1 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 बन जाएगा। जी सर जी, तो आप यहां से कहोगे सर इधर या तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाए, तो इसका मतलब सर x बराबर 1 जो है वो मेरे पास एक रियल सॉल्यूशन यहां पर निकल कर आता है, ठीक है सर जी। और यहां पर आप ये कह दो कि सर या फिर क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाए, तो जब आप तुम इसमें से सॉल्व करोगे ना तो आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बेटा माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यानी आप कहोगे सर एक रूट हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा,
और एक रूट आपके पास हो जाएगा x बराबर माइनस के वन माइनस के अंडर द रूट आयोटा अंडर द रूट थ्री या फिर रूट थ्री आयोटा, रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू ये वाला रूट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास दो तो सर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, है ना, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, जिनमें से पहले वाला यानी कि प्लस वाला जो पेयर है बेटा वो को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओमेगा बोल देते हैं, और जो माइनस वाला पेयर है बेटा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम इस वाले नंबर का स्क्वायर करोगे आपको ये वाला नंबर मिलेगा, यानी अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट, बढ़िया। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, हमने कहा कि सर यहां से आपने जो हमें बात समझाई वो हमने नोट कर ली कि सर अगर मेरे पास x का क्यूब माइनस वन बराबर जीरो है तो इसका मतलब सर x की वैल्यू हमारे पास एक तो वन होगी, एक सर ओमेगा होगी और एक ओमेगा स्क्वायर होगी, जहां पर आपने हमें यह भी बता दिया सर ओमेगा जो होगा वो माइनस के वन प्लस के रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू का पेयर होगा और ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो माइनस के वन माइनस के रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू का पेयर होगा, ये आप लोगों ने देख लिया। ओके सर जी, चलो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं बेटा मुझे एक बात बताओ, ये तीनों के तीनों अपने आप में क्या है बेटा, z बराबर वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सर z बराबर ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z बराबर ओमेगा स्क्वायर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसमें से नोट करो मेरे बच्चे, आप नोट करो और फिर बताना कि सर इसमें से अगर मैंने मॉड z निकाला तो आंसर वन आ जाएगा, इसमें से अगर मैंने मॉड z निकाला तो ये बेटा क्या हो जाएगा, मॉड ओमेगा हो जाएगा और मॉड ओमेगा विल बी इक्वल टू सर अंडर द रूट माइनस वन बाई टू का स्क्वायर यानी वन बाई फोर हो जाएगा प्लस सर रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर यानी थ्री बाई फोर हो जाएगा, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है सर वन आ रहा है, दैट इज ये भी वन आ रहा है, और बेटा इसमें से आंसर निकालोगे तो यहां से मॉड जेड निकालोगे तो मॉड ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा दोस्त, तो यहां पर भी सर आपके क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर थ्री बाई फोर हो जाएगा, तो यहां से भी आंसर कितना आ रहा है मॉड जेड आ रहा है। यानी मुझे एक बात समझ में आई, क्या ये आप लोग नोट कर पा रहे हो कि सर मॉडुलस ओमेगा और मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर जो है सर दोनों की वैल्यू वन है, यस और नो, बताइए क्लियर है, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई बाबू, These are the cube roots of unity. अब मैं कह रहा हूं कि सर ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एरगेंट प्लेन पर कहां पर पोजीशन होगा, तो बेटा जैसा मैंने बताया कि पहला रूट तो वन है, अब पहला रूट प्लॉट करने में तो किसी भी बच्चे को जरा सी भी परेशानी नहीं होगी, है ना, अग्री करते हो सर जी, ये रहा पहला रूट हमारे पास जेड बराबर वन, यहां आ जाएगा पहला रूट हमारा यहां पर है। अब मुझे एक बात समझ में आती है कि सर ये अगर सर्कल जो आपने बनाया है तो सेंटर से इस सर्कल की दूरी कितनी है, सर सर्कल से सेंटर की दूरी हमारे पास रेडियस कितना आ रहा है सर जी, रेडियस बना रहा है, तो इसका मतलब सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों का सेंटर से डिस्टेंस कितना निकला था सर वन, यानी जो मेरा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा वो भी सर इसी सर्कल के ऊपर लाई करेगा, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो ओमेगा होगा वो यहां पर आ जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो यहां आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई, जल्दी से बताइए बेटा, समझ में आया सबको ये या नहीं आया, जल्दी बताओ, है ना, इसमें भी रेडियस कितना था बाबू सर, इसमें भी रेडियस हमारे पास वन था सर, इसमें भी रेडियल डिस्टेंस हमारे पास वन था। अब जो मुझे जानना है वो ये कि बेटा मुझे ये बताओगे कि सर ये ओमेगा स्क्वायर, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, हाँ सर यहां ओमेगा आएगा सिर्फ जी, मुझे अब ये बताओ बेटा ये जो एंगल आपने ढूंढा है ये वाला एंगल है ना बेटा, यहां से लेके यहां तक का एंगल, नाउ दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हो जाएगा बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ
ओमेगा हो जाएगा, तो आप देखोगे ये कितने डिग्री के बराबर है, ये 120 डिग्री के बराबर है। अरे हाँ सर, और मुझे यहां से अगर तुम ये वाला एंगल ढूंढोगे, यानी इसके लिए आर्ग्यूमेंट ढूंढोगे, ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल है ना, तो आप कहोगे सर देखो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी, इसका वैल्यू हो जाएगा 240 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पूरे सर्कल को अगर आप तीन टुकड़ों में बांटोगे तो 120 120 120 यानी 360 डिग्री में टूटेगा। तो आप यहां से कहोगे सर पहले वाला ओमेगा स्क्वायर का एंगल 120 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का एंगल 240 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 360 हो जाएगा। तो वो जरूरत नहीं है। हाँ, नाउ यहां से एक और चीज हम लोग सेट करेंगे, वो ये कि सर जब मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करूंगा, मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा, यानी अगर मैंने इनको ऐसे ऐसे करके लिख दिया बेटा, तो ये वाले पॉइंट्स को नाम देते हैं, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज ए, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज बी, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज सी। तो हम कहेंगे सर एबीसी जो है इज अ राइट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल होगा बाबू, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आई गेस यहां पर किसी को कोई खास तरीके का सवाल अगर आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। जी बेटा कोई खास सवाल आ रहा है? जल्दी नहीं आगे चलें? बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी है, बस तुम यही अपने ऊपर काम करते रहो, मेहनत करते रहो, सवाल लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जो चीज नहीं आ रही है उसको रिवाइज करो, उसके कॉन्सेप्ट को देखो। सक्सेस आशीर्वाद तो बेटा सबके पास ही रहता है, लेकिन पता है जो चीज हर कोई नहीं करता है वो है अपने ऊपर काम। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना, सबको थोड़ी ना करना है। ये जिनको करना है, जिनसे नहीं हो रहा है, जिनसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें एक दिन दो दिन तीन दिन लगेगा। आपको एक जगह से नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी जगह से देखो, दूसरी जगह से नहीं समझ में आ रहा है, तीसरी जगह से देखो। तो अपने डरों को, जो भी आपको डर होता है, जो भी आपको दिक्कत दे रहा होता है, उन पर काम करो बेटा, है ना। चलो बढ़िया, ओके नेक्स्ट आगे चलें। जरा ध्यान से देखिएगा, फिर ये सारी चीज हो जाने के बाद बेटा इनमें देखो जो भी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें से जो बार बार आपसे पूछ ली जाती है, ये वाली चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये वाली चीज नोट डाउन कर लो। ये कैसे नोट डाउन किया बेटा, हमने कहा था कि सर जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया था, तो यहीं से आपके जो रूट्स निकल कर आए थे वो क्या निकल कर आए थे सर जी, रूट्स निकल कर आए थे एक्स बराबर ओमेगा निकल कर आया था, और यहीं से x बराबर ओमेगा स्क्वायर निकल कर आया था। तो सर इसका मतलब यही आप कहना चाहते हो ना, कि अगर मैंने ये x बराबर ओमेगा इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा सर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन बराबर जीरो बन जाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज सर, इसके ऊपर सवाल आएंगे, ठीक है बेटा, इसके ऊपर सवाल आएंगे, ठीक है जी, बढ़िया। चलो नेक्स्ट सर, आयटा अगर ओमेगा की पावर कोई भी थ्री लेते हो तो सर वो वन के बराबर आएगा, यानी पावर थ्री मल्टीपल अगर आप ले रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी। कैसे, इसको ऐसे समझ लो बेटा, हमने कहा था सर जब हम लोगों ने एक्स क्यूब बराबर वन लिया था, इधर ध्यान से सुनना, जब आपने एक्स क्यूब बराबर वन लिया था तो इसके लिए सोल्यूशन क्या क्या आए थे सर जी, इसके लिए सोल्यूशन आए थे एक्स बराबर वन आया था, एक सोल्यूशन एक्स बराबर ओमेगा आया था, एक एक्स बराबर क्या आया था सर, ओमेगा का स्क्वायर आया था। यानी आप ये कहना चाहते हो सर अगर मैंने एक्स बराबर ओमेगा जो है वो यहां पर रीसब्स्टिट्यूट कर दिया तो आप यही कहोगे ना सर ओमेगा का क्यूब बराबर वन हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर यहां पर रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आप तो यही कहोगे ना कि सर ओमेगा की पावर छह जो है वो वन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके ओमेगा की कोई भी अगर तीन का मल्टीपल वाला पावर ले रहे हो तो उसका आंसर वन आएगा। एवरीबॉडी क्लियर? चलो अब ये इसके बाद जो आखिरी वाली प्रॉपर्टी है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ये कह रहा है कि सर अगर ओमेगा की पावर तीन एक है, ध्यान से सुनना बेटा, जब मैं आयोटा के केस में था तो
एक था, जब मैं ओमेगा के केस में चल रहा हूं तो ओमेगा की पावर 3/1 है, तो अब जैसे आयोटा के केस में आप 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आंसर करते थे, ओमेगा के केस में आप 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आंसर करोगे, यानी कि सर 3 से डिवाइड करने का लॉजिक तो समझा दिया, एक करके बता दो। सपोज करो आपको यहाँ पर 241 लिखा हुआ है, तो आप ये कहोगे कि सर जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा, अब 3 से डिवाइड करने का मतलब होता है दो तरीके से, एक तो बेटा आप इसे प्रॉपरली डिवाइड करके निकाल लो। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी भी हो रहा है क्या? जल्दी से बताना, वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी आ रही है, क्लियर है या ऊपर नीचे हो रहा है? अभी भी आ रही है, जल्दी बताओ। हेलो 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 हेलो, क्लियर हो जाए तो बेटा बताना, अब मैं क्या करूं बताओ, क्लियर हो जाए तो बताओ, मैंने तो कुछ भी किया भी नहीं मैंने इसके साथ। क्लियर सर? इको हो रही? तुम बेटा मेरे पास आओ किसी तरीके से, ढूंढते ढांढते मेरे पास आओ, इको बताता हूं। वॉइस का बेस चला गया, अजीब सी आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, काम चला लो, चला लो, काम चला लो, काम चला लो, काम चला लो, आवाज आ रही है ना, आवाज बस आ रही है ना बेटा, हाँ आनी चाहिए बस आवाज, ठीक है। अब कोई लता मंगेशकर की आवाज आ रही हो या फिर मोहित चौहान की आवाज आ रही हो, आनी चाहिए आवाज, आएगी? बढ़िया, चलें, चलें, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो आगे ध्यान से देखना है ना। अब हम कह रहे हैं कि सर अगर मुझे 241 देखना है तो दो तरीकों से, या तो आप तुम 3 से डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना बच रहा है, या तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लो। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि सर जी जो भी आपके पास नंबर है, जैसे मान लो बेटा 241 है, कितना है सर 241 है, तो इनका डिजिट सम देख लो, तो सर 4, 2, 6 और 1, 7 होता है, अब इसको तुम डिवाइड करो, इससे जो भी रिमाइंडर बचेगा वही मेरा 241 को डिवाइड करने पर बनेगा, यानी ये ओमेगा की पावर 1 बन जाएगा। यानी आप ये कहना चाहते हो कि सर अगर मान लो मैं 792 अगर कहीं पर लिखता हूं, ठीक है, तो अब इसमें से कितना बचेगा, तो आप डिजिट सम देख लो बेटा, 7 + 9 + 2 ये डिजिट सम देख लो, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, सर इसे डिवाइड करने पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये ओमेगा की पावर 0 बन जाएगा, यानी इसका आंसर बन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बढ़िया, ठीक है, क्लियर, चलो शाबाश, है ना। अब इसी सारी चीजों को देखने के बाद हमने ये कर लिया, तो अब देखो ये पहला सवाल हमसे कुछ ऐसा 2023 के पहले वाले में पूछा गया है, सर इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा यहां पर देखिए बाबू, हमने कहा कि सर अगर मेरे पास 1 + ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के बराबर हो जाएगी। अरे हाँ सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, थोड़ा पतला कर जाए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के बराबर हो जाएगी। जी सर जी, जी सर जी, बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब ये नीचे जो सामान रखा गया बेटा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के बराबर है। हाँ सर जी, तो इसका मतलब मेरे को ये वैल्यू मांग रहा है 1 - ओमेगा / -1 की वैल्यू मांग रहा है, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू ओमेगा माइनस के 1 का मॉड वैल्यू। हाँ सर, ओमेगा माइनस 1 का मॉड वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो आप इसे देखो बेटा, ओमेगा माइनस 1, सर ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है माइनस के 1/2, प्लस वाला पेयर होता है √3i/2, और बेटा यहाँ माइनस के 1 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस के 3/2 और प्लस के √3/2 का आयोटा, है ना। इसका आप मॉड वैल्यू निकाल दो मेरे बच्चे, इसका मॉड वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 3 * 3 = 9, 9/4 हो जाएगा, प्लस ये बेटा 3/4 हो जाएगा, सॉरी 9 और 3 = 12 हो गया, 12 से 4 घटा तो बेटा √3 आ जाएगा, कितना, सही आंसर इज √3। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, डन, चलो शाबाश, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया भैया, भैया क्या बात भैया, एकदम बढ़िया भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर अल्फा और बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
प्लस वन बराबर रूट्स निकाले थे सर जी, दो रूट्स निकले थे इसके, एक निकला था x बराबर ओमेगा निकला था, दूसरा निकला था x बराबर ओमेगा स्क्वायर निकला था, है ना। तो आप इसे नोट डाउन कर लो कि सर अगर प्लस वन बराबर जीरो हम लोग ले रहे हैं, अगर ये वाली चीज आप ले रहे हो तो इधर से एक रूट बेटा x बराबर माइनस के ओमेगा आ जाएगा और एक रूट बेटा x बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव में रूट्स आ जाएंगे, ठीक है बाबू। ओके सर जी, नेगेटिव में रूट्स आ जाएंगे, आपने बता दिया। तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो दे रखा है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई सर जी, माइनस के ओमेगा हो गया, और बीटा की वैल्यू क्या हो गया बेटा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सर जी, आइए नहीं है ना, आइए नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक आगे बात करते हैं। तो हमने कहा कि सर यहां से आप वैल्यू को निकालने की कोशिश करो बच्चे, आप कहोगे सर अल्फा की पावर 100, तो इवन पावर है सर जी, इवन पावर है तो यहां पर आ जाएगा सिर्फ ओमेगा की पावर 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहां पर माइनस ओमेगा की पावर 200 आ जाएगा बेटा, तीन था उसके हिसाब से सर यहाँ ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर बेटा ओमेगा की पावर 1 माइनस ओमेगा की पावर 2 आ जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो बेटा, जरा ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू माइनस के 1 है जैसा हमने सीखा था, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ माइनस 1 अपॉन में बेटा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख दोगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे सर 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस के 1/2 माइनस के रूट 3/2 आई बेटा डिवाइडेड बाई 2, और बेटा इसमें से माइनस करना है माइनस के 1/2 प्लस आई बेटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, देन यू विल से दैट कि सर ऐसे में तो मेरा माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2 जो है ये कैंसल आउट हो जाएंगे, अब वी विल बी लेफ्ट विद माइनस के रूट 3/2 माइनस के रूट 3/2 यानी माइनस के आयोटा रूट 3, हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर? जी सर जी। तो मुझे फाइनली अगर इसका आंसर आगे निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 अपॉन में माइनस आयोटा रूट 3 का मॉड वैल्यू निकालना है। अब इसका तो मॉड वैल्यू निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में रूट 3 ही आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है बच्चे, वॉइस गेम खेल रहा है अभी भी यार, ये पता नहीं क्या दिक्कत है इस वॉइस के साथ, अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है, एक बार कंफर्म करो, अभी ठीक आ रहा है ना। क्या नहीं डरा रहा हूं बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। चलो अगला सवाल, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर कह रहा सर व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस नंबर, बेटा इस नंबर को जरा गौर से पहचानो, गौर से देखो, ये आपको माइनस के 1/2 और ये प्लस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दे रखा है, राइट सर, और इसकी पावर 200 दे रखा है, मुझे कह रहा है इसका मॉड वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो सबसे पहली चीज आप कहोगे सर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम जानते हैं कि सर z की पावर n का जो मॉड होता है वो मॉड z की पावर n के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे कह सकते हो कि सर ये कौन है, सर ये ओमेगा है, तो मैं ओमेगा के मॉडुलस की पावर 200 लिख सकता हूं। अरे हाँ, और ओमेगा का मॉडुलस होता है 1, तो 1 की पावर 200 कितना होता है सर जी, 1 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, मस्त, इजी, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये कह रहा है कि सर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 8। बेटा इधर ध्यान से देखना बच्चे, अगर आपके पास x³ - 1 = 0 के जो रूट्स निकाले थे, x³ - 1 = 0 के रूट्स निकाले थे, वो आपने निकाले थे x = 1, x = ओमेगा,
एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर। ये क्यों निकला था बेटा? क्योंकि ये वन का क्यूब होता है। अब यहीं पर ये कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए मैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट निकालता हूं बेटा, इनके क्यूब रूट निकालता हूं, तो आप कहोगे सर एक रूट आ जाएगा एक्स बराबर ए, दूसरा रूट आ जाएगा एक्स बराबर ए ओमेगा, तीसरा ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी उतना ही टाइम्स हो जाएगा। अगर वन की जगह पे ए लिखा है तो रो रूट उतने ही टाइम्स हो जाएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हो कि सर अगर मुझे ये वाली चीज दी गई है, ये चीज दी गई है, तो इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे सर? एक्स बराबर एक तो हो जाएगा टू, एक हो जाएगा टू ओमेगा, एक हो जाएगा टू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा? सर क्या ये रूट जो है वो नॉन कोलिनियर है? हाँ ये बात सही है। क्यों? क्योंकि ये जो रूट्स अब तुम प्लॉट करोगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये हमारा एगेन प्लेन बना लिया हमने, जी सर जी। तो अब जो मेरे पास सर्कल बन रहा है बेटा, ठीक है ध्यान से सुनना, अब जो मेरा पहला रूट होगा वो कहाँ आ रहा है सर? पहला रूट मेरा यहाँ आ रहा है, ये रहा टू, तो और ये वाला नंबर कहाँ जाएगा सर? ये आ जाएगा टू ओमेगा, और ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा सर टू ओमेगा स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है सर ये नॉन कोलिनियर रूट्स हैं, ये एक लाइन के ऊपर नहीं आएंगे, ये कभी भी एक लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है द रूट्स लाई ऑन द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। क्या जिस सर्कल के ऊपर ये रूट लाई कर रहे हैं वो उसका रेडियस वन है? नहीं सर जी, रेडियस हमारे पास टू दिया गया है। आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर जी? टू यूनिट्स डिस्टेंस है ना, तो ये गलत है। सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है जी, इजी इजी क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल सवाल पूछा उसने? कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछा उसने? बिल्कुल भी नहीं, सारे बेसिक बेसिक लेवल पे हैं। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग सही है, आप सही रिजल्ट को पहचानते हो, ठीक है, यूनिट नहीं होगा ना। हाँ तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मैंने कहा कि सर रेडियस टू है, रेडियस वन थोड़ी ना है, ये रेडियस हमें टू दिया हुआ है, इसलिए सेकंड वाला गलत है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। Yes, and that's it, guys. That's it. मजा आया सबको। लेटेस्ट अब कुछ इंफॉर्मेशन की बात ही हो जाए, पढ़ तो लिए ही है। अब बेटा ये देखो विजय रैपिड रिविजन बैच चल रहा है, जिसमें जल्दी ही मुक्तक सर भी ज्वाइन कर लेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पर मैं, धीरज सर, हिमांशु सर, नीतू मैम की क्लास तो हो ही रही है, जल्दी ही मुक्तक सर की भी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसे ज्वाइन करने के लिए ये वाला कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि इस कूपन कोड से जो भी अभी ऑफर चल रहा होगा, कल तक तो चल ही रहा था, अभी जो भी ऑफर चल रहा होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बात करते हैं। अब ये आपके काम की चीज है बेटा, मैं बार बार बोलूंगा ये आपके काम की चीज है। जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ये चार महीने के करंट अफेयर्स के डेडिकेटेड फॉर एनडीए, सीडीएस, एसकेट, सीएपीएफ, एसएसबी, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल है हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी, और साथ साथ प्लस में बोलूंगा बेटा व्हाइट बैकग्राउंड में, व्हाइट बीजी में ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे डाउनलोड करके, स्कैन करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने हिसाब से इसे पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको इसे करना है स्कैन। इसे क्या करना है बेटा? स्कैन करना है, ये डाउनलोड वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। ठीक है बेटा, स्कैन कर लेना है, बस बस एकदम बढ़िया। क्लास रनवे पर उतर चुकी है, खत्म होने वाला है। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका क्या करना है? इसका क्या, यहाँ पर बोलते हैं कि सर जी YouTube के जो आप क्लास लेते हो इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो बेटा नोट्स का पता ये रहा, नोट्स का अता पता आपको यहां मिलेगा बेटा। इसे स्कैन कर लो, अखिल अंडरस्कोर अनअकैडमी, ये वाला टेलीग्राम चैनल रहेगा, यहीं पर मैं नोट्स अभी पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेकर या फिर ऐसे इसे सर्च कर लो, अगर तुमसे स्कैन नहीं हो रहा बेटा तो इसे सर्च कर लो, इसे सर्च कर लो, यहां से टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर यह मिल जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, बढ़िया। ठीक है चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये YouTube के नोट्स आपको यहां मिल जाएंगे। तो अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, भाई कैसा लगा आज का सेशन? बढ़िया था? जल्दी जल्दी बताना बेटा प्लीज, और सच सच बताना, बुरा लगे तो बुरा भी बताना, अच्छा लगे तो अच्छा भी बताना, बट बताना, हाँ बताना, हाँ बताना। ये तो बहुत मोटा हो गया भाई।
देखो तो लिखने का तो बहुत मन होता है। चलिए जी बहुत बढ़िया, मजा आया, काम हो गया, चलो बहुत बढ़िया, सबको मजा आया, समझ में आया। तो बेटा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो भी बातें डाउट में लगती हो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वहां पे दे दूंगा लिखकर, ठीक है। बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने पूरा खोल के बता दिया, जो जो चीजें चाहिए थी कुछ एक दो करवा दिए हैं। अब बेटा आपके ऊपर आता है, अगर आप ये कहते हो कि सर आप ही सब कुछ कराओगे, तो बेटा यकीन रख लो आपका पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको आदत लग चुकी है कि हाँ मम्मी मुझे मुंह में खाना खिलाओ, मैं अपने हाथ से नहीं खा सकता। तो बेटा एक टाइम आएगा जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि आपको वो आदत लग चुकी है, ठीक है बेटा, वो आदत लग चुकी है। तो ऐसा मत करो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, नाउ नेक्स्ट स्टेप कि आप उन चीजों का कितना इस्तेमाल करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, अपनी आदत खराब मत करो। हालांकि मान लो आपको कहीं और कुछ भी मिल रहा है आप ले लो, मैं वो नहीं कर रहा कि आप मत करो, लेकिन कोशिश ये करो, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए छोटा सा मैसेज है कि अपने आप करने की कोशिश करो। देखो बेटा बेहतरी की तरफ आगे बढ़ोगे, ये लाचारी से बाहर आ जाओ, लाचार हमें चाहिए ही नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।